सो ऑल राइट गाइज, वेलकम टू मैकेनिकल ग्रिड जोन। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना क्विज सॉल्यूशंस, ठीक है, जो अपनी फर्स्ट क्विज हुई थी अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, उसके सॉल्यूशन को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये क्विज हुई थी अक्टूबर 1, 2021, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्विज के सॉल्यूशंस, देखते हैं कैसे हम लोग प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो हमारी स्क्रीन पे है वो है मैथमेटिक्स का, और आपसे पूछी है इस इंटीग्रेशन की वैल्यू, और एक पर्टिकुलर रीजन दे रखा है, उस रीजन में इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। तो देखिए, जरा मैं यहाँ पे आपको इसका सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आप एक बात समझिए कि हमको ये रीजन जो है आर, वो हमको पता होना चाहिए। तो ये बोल रहे हैं ये क्वाड्रेंट ऑफ द सर्किल है विच इज़ गिवन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन, वेयर एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो एंड वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो कुल मिला के अगर मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाऊँ वो रीजन, तो लेट अस से कि ये हमारा एक सर्किल है, ठीक है, और ये जो सर्किल है ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे बना हुआ है कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये है हमारी एक्स एक्सिस और ये है हमारी वाई एक्सिस। जो ये रीजन बोल रहे हैं वो है क्या, देखो ये जो एक ये जो सर्किल है इसकी इक्वेशन है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन, ठीक है। और जिस रीजन की बात हो रही है वो हो रही है एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो एंड वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट की यहाँ पे बात हो रही है। अब यहाँ पे देखो, जब आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे इस रीजन में, तो ये जो इंटीग्रल है डेट इज एक्स वाई डी एक्स डी वाई इस तरीके से है। सबसे पहले इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में होगा, फिर वाई के रेस्पेक्ट में होगा। अब यहाँ पे जो लिमिट्स हैं वो इस रीजन के अंदर आनी चाहिए, ये जो रीजन है हमारा ये वाला, ठीक। तो एक तो तरीका है कि एक स्ट्रिप कंसीडर कर लो और फिर उसको इंटीग्रेट करो, तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि अगर आप एक स्ट्रिप कंसीडर करोगे, फॉर एग्जांपल आपने ये स्ट्रिप कंसीडर की जहाँ पे जो वाई है वो है क्या, वाई इज इक्वल टू जीरो से लेके अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर तक, और जो एक्स वेरी करेगा वो करेगा जीरो से लेके वन तक। एक तरीका तो ये है, ठीक है, लेकिन जब आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने जाओगे तो बहुत लंबा हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे हम बेहतर है कि चेंज ऑफ वेरिएबल वाला कंसेप्ट यहाँ पे लगाएं। दो कंसेप्ट होते हैं, एक होता है चेंज ऑफ ऑर्डर और एक होता है चेंज ऑफ वेरिएबल। तो हम यहाँ पे जो कंसेप्ट लगाएंगे वो कौन सा लगाएंगे, चेंज ऑफ वेरिएबल्स वाला, ठीक है। तो देखिए वो कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ चेंज ऑफ वेरिएबल का कंसेप्ट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपके पास इंटीग्रेशन है लेट अस से लाइक दिस, जिसको कि आपको सॉल्व करना है, एक फंक्शन होगा x और y के टर्म्स में, और इसको इंटीग्रेट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू dx dy। तो माय डियर, ये जो इंटीग्रेशन है इसको हम लोग चेंज ऑफ वेरिएबल्स में कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे लाइक दिस। और आपको पता है मैं यहाँ पे जो वेरिएबल कंसीडर करूँगा वो करूँगा पोलर कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है। मैं यहाँ पे x और y को एक्स वाई कोऑर्डिनेट से आर थीटा कोऑर्डिनेट सिस्टम में जा रहा हूँ। तो कुल मिलाकर के हम यहाँ पे जो कंसीडरेशन करते हैं इस इक्वेशन को, देखो मैं यहाँ पे एक्स को कंसीडर करूँगा क्या, आर कॉस थीटा, और वाई को मैं कंसीडर करूँगा क्या, आर साइन थीटा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो मैंने वेरिएबल, ये देखो यहाँ पे एक्स और वाई क्या है, वेरिएबल हैं, लेकिन मैंने इनको एक अलग वेरिएबल्स में कंसीडर किया, डेट इज़ आर और थीटा, आर और थीटा। तो यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन है ये कैसे कन्वर्ट हो जाता है, ये हो जाता है फंक्शन जो कन्वर्ट हो जाएगा पूरा, यहाँ पे एक्स आएगा किसके टर्म्स में, आर और थीटा के टर्म्स में, जो वाई होगा वो भी हमारा किसके टर्म्स में होगा, आर थीटा के टर्म्स में। साथ में ये जो डी एक्स डी वाई है डियर, ये जो डी एक्स डी वाई है ये कन्वर्ट हो जाता है किस में, फाई आर थीटा डी आर डी थीटा, इस तरीके से। अब यहाँ पे चक्कर है क्या कि हमको फाई आर थीटा हमको पता करना है, तो ये होता है जैकोबियन, और वो जैकोबियन कौन सा, एक्स वाई आर थीटा, विच इज नथिंग बट डेल एक्स वाई डेल आर एंड डेल एक्स वाई डेल थीटा
डेल वाई वाई डेल आर, डेल वाई वाई डेल थीटा, इसके डिटर्मिनेंट से ही जैकोबियन यहाँ पे आता है। ठीक है, तो कुल मिला करके जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे एक्स आपने क्या पुट किया है, आर कॉस थीटा, वाई आपने क्या पुट किया है, आर साइन थीटा। तो देखो जब आप इस जैकोबियन की वैल्यू निकालोगे, डेट इज़ फाई आर थीटा की जब आप वैल्यू निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर पार्शियल कितना होगा, कॉस थीटा। एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा पार्शियल करना है तो आर कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस आर साइन थीटा। वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर पार्शियल कितना हो जाएगा, साइन थीटा। और वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा पार्शियल कितना हो जाएगा, आर कॉस थीटा। अब इस डिटर्मिनेंट को जब आप सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा आर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस आर साइन स्क्वायर थीटा। तो कुल मिला करके आर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि आर कॉमन ले लिया, तो फाइनल जो निकल करके आ जाएगा ये आ जाएगा आर। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये जो फाई आर थीटा की जो वैल्यू आई निकल करके आई आर। तो कुल मिला करके मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जब भी कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आए, जब भी आप सब्स्टिट्यूशन करें कार्टेशियन से पोलर में, तो वहाँ पे क्या करना है, एक्स को सब्स्टिट्यूट करना है आर कॉस थीटा से, वाई को सब्स्टिट्यूट करना है आर साइन थीटा से, और जो बचा हुआ डी एक्स डी वाई है इसको सब्स्टिट्यूट करना है किससे, आर डी आर डी थीटा से। देखो डी आर डी थीटा तो ये आ गया, डी आर डी थीटा तो ये आ गया, बचा हुआ ये जो फाई आर थीटा की वैल्यू थी ये थी जैकोबियन ये वाला, तो निकल कर क्या है आर। तो आपको ये सब्स्टिट्यूशन फॉलो करने हैं जब भी आप कार्टेशियन से पोलर में जाएंगे। ठीक है, तो अब सीधी सी अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तो मैंने आपको कंसेप्ट बताया इसका, अब आप इसको याद भी रखेंगे कि x को r cos थीटा से सब्स्टिट्यूट करना है, y को r sin थीटा से सब्स्टिट्यूट करना है, और dx dy को r dr d थीटा से सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो ये था इसका कंसेप्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट से, और ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लगेगा। देखो यहाँ पे क्या है, मैंने कंसीडर किया x को r cos थीटा, y को मैंने कंसीडर किया r sin थीटा, और जो हमारे पास dx dy हो जाएगा ये हो जाएगा r dr d थीटा। जब ये सारी वैल्यूज़ आप इस ऊपर वाले इंटीग्रेशन में रखते हैंगे तो ये फाइनली बन जाएगा r क्यूब sin थीटा cos थीटा, r क्यूब sin थीटा cos थीटा, और साथ में हो जाएगा डी आर डी थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा, क्लियर है, समझ में आ गई बात। x को रखेंगे r cos थीटा, y को रखेंगे r sin थीटा, और dx dy को रखेंगे r dr d थीटा, तो ये हो जाएगा r क्यूब sin थीटा cos थीटा। वेरी गुड, अब यहाँ पे बात आती है कि जो लिमिट्स हैं वो कौन सी रखी जाएंगी। मैंने आपको जो रीजन बताया था वो बताया था ये वाला, दैट इज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये हो गई हमारी x एक्सिस, ये हो गई हमारी y एक्सिस, और ये हमारा बना क्या सर्किल। यहाँ पे देखो ये है r वेक्टर, ये है r, और ये है थीटा। ये जो थीटा है माय डियर, ये जीरो से लेके पाई बाई टू तक जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और r की जो वैल्यू है ये जीरो से लेके रेडियस ऑफ द सर्किल तक जाएगी, जो कि कितनी है, वन। ठीक है, क्लियर है, तो ये फाइनल बना सॉल्यूशन। अब यहाँ पे करते हैं क्या, सबसे पहले r के रिस्पेक्ट में करना है, तो r की लिमिट 0 से लेके 1 तक, ठीक है, और फिर थीटा की लिमिट 0 से लेके पाई बाई 2 तक। तो देखो जब आप r के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे तो साइन थीटा कॉस थीटा तो कॉन्स्टेंट माना जाएगा, तो सिंपल सा यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा ये हो जाएगा r की पावर 4 डिवाइड बाई 4 बिटवीन द लिमिट्स 1 एंड 0 विच इज़ नथिंग बट 1 बाई 4। तो ये बन जाएगा 1/4, अंदर वाला जो इंटीग्रेशन बचा वो बचा ये 0 से लेके पाई बाई 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, क्लियर, ये बचा। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, है ना, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। तो देखो एक तो तरीका है क्या कि आप ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा 1/8 इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाई 2 साइन 2 थीटा डी थीटा। ठीक है,
क्योंकि 2 साइन थीटा कोस थीटा हमारे पास साइन 2 थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। तो अब फाइनली जो हमारे पास इसका सॉल्यूशन आना है वो कितना आना है वो यहाँ पे देखते हैं। तो 1/8 साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई, माइनस का कोस 2 थीटा, और 2 थीटा भी है साथ में, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 इस तरीके से, और ये चला जाएगा 0 से लेके 5/2 तक। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, 1/16 माइनस का अंदर आएगा कितना, कॉस पाई माइनस कॉस 0। कॉस पाई कितना होता है माइनस 1, कॉस 0 कितना होता है 1, माइनस वन हो जाएगा -2। तो ये कुल मिलाकर के आंसर आ जाएगा हमारे पास 1/8। और जब 1/8 जब आप कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे ना डियर, तो 1/8 की जो वैल्यू निकल करके आती है, ये निकल करके आती है 0.125। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 0.125। क्लियर, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 मैथमेटिक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये भी है मैथमेटिक्स का और क्वेश्चन है लिमिट्स से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं डियर कैसे होगा ये। इफ अ फंक्शन fx इज सच दैट द लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू a fx की पावर 1 माइनस fx माइनस 1। देखो, कोई फंक्शन है fx, जब हम उस फंक्शन की लिमिट निकालते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट a पे, तो वो निकल करके आती है 1। अब एक नया फंक्शन बनाया इस तरीके से, अब इसकी लिमिट हमको यहाँ पे पूछी है कि x, जब x a को अप्रोच करेगा तब इसकी लिमिट हमको बताइए। तो माय डियर, आप सबसे पहले एक बात देखो कि ये जो हमारे पास है फंक्शन नया एफ एक्स की पावर 1 डिवाइडेड बाई एफ एक्स माइनस 1, ठीक है, ये है हमारे पास। जब आप इसकी लिमिट रखोगे x इक्वल टू a पे, तो ये जो पूरा बनेगा, ये बनेगा कितना, लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ एफ एक्स दैट इज 1। जब आप ऊपर यहाँ पे लिमिट निकालोगे इस वाले फंक्शन की, जब निकालोगे पावर में जो है, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1। तो कुल मिलाकर के 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म आपको देखने को मिलेगी, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस बात को यहाँ पे समझिए कि हम इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। सबसे पहले मैं कंसीडर करता हूँ y इज इक्वल टू एफ एक्स होल पावर 1 डिवाइड बाई एफ एक्स माइनस 1। मैं कह रहा हूँ कि दोनों तरफ आप क्या ले लो, log ले लो। जब दोनों तरफ log ले लोगे तो ये हो जाएगा कितना, ln y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एफ एक्स माइनस 1 इंटू log ऑफ एफ एक्स। ठीक है, ये हुआ। जब आप इसकी लिमिट लगाओगे ना x टेंड्स टू a, जब आप यहां पे आप लगाओगे इस तरीके से, तो देखो क्या होगा। जब एफ एक्स की लिमिट आपको ए पे कितनी दे रखी है 1, तो लॉग के अंदर जो 1 है माय डियर, वो हो जाएगा कितना, 0। लॉग 1 0 होता है, डिवाइडेड बाई, जब आप ये लिमिट यहाँ रखोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा कितना, 0/0। अब 0/0 फॉर्म है तो आराम से एल हॉस्पिटल रूल लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। तो देखिए यहाँ पे जब हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो देखो कैसे लगेगा। करना कुछ नहीं होता है, सिंपली जो न्यूमिरेटर में टर्म है उसको डिफरेंशिएट करते हैं, और जो डेनोमिनेटर में टर्म है उसको डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो करना शुरू करते हैं डियर। तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू a। सबसे पहले न्यूमिरेटर वाले टर्म की यहाँ पे हम बात करते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, log का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 1/fx। फिर अंदर जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, वो हो जाएगा f(x)। ठीक है, ये हो गया न्यूमिरेटर। फिर डेनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करना है, तो 1 डिवाइडेड बाई, ये न्यूमिरेटर मैंने अलग लिख लिया, डेनोमिनेटर में जो डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, f(x) इस तरीके से।
वन काट दो डिफरेंशिएशन जीरो होगा। अब ये देखो ये एफ डैश एक्स से एफ डैश एक्स कैंसिल हो जाएगा, और जब ये एफ डैश एक्स से एफ डैश एक्स कैंसिल हो गया तो यहाँ पे आप देखो क्या बचा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए वन बाई एफ एक्स, और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए ऑफ एफ एक्स कितना दे रखा है वन, तो ये कुल मिला करके आ जाएगा वन के बराबर। ये किसके बराबर आ जाएगा, वन के बराबर। लेकिन ध्यान रखना इसका आंसर वन नहीं होगा, क्योंकि ये आपने जो सब्स्टिट्यूशन किया है वहाँ पर लॉग वाई है, मतलब यहाँ पे जो लॉग वाई है ये है वन, तो इसका मतलब ये हो गया माय डियर ये जो वाई का वैल्यू आएगा ये आएगा ई, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा माय डियर बी फॉर बॉम्बे, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर टू का सॉल्यूशन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डेट इज क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री। ऑल राइट, तो मैं इसको थोड़ा ऊपर लेके जाता हूं, ओके। ये है क्वेश्चन नंबर थ्री, इसको करना है सॉल्व। तो देखो यहां पे एक हमको फंक्शन दे रखा है एक्स वाई में, उसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करना है इस तरीके से। अब यहाँ पे सबसे पहले फंक्शन को गौर से देखो, ये जो इंटीग्रेंड आपको दे रखा है पूरा, इसमें सबसे पहला इंटीग्रेशन जो होगा वो होगा ये वाला, मतलब सबसे पहला इंटीग्रेशन आपको जो करना है वो करना है वाई के रेस्पेक्ट में। मतलब ये जो लिमिट्स दे रखी हैं जीरो से लेकर एक्स तक, ये किसकी दे रखी हैं, वाई की लिमिट्स दे रखी हैं। और जो बाहर वाला इंटीग्रेंड है उसमें जो लिमिट्स दे रखी हैं वो दे रखी हैं एक्स की लिमिट, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो लिमिट्स हमको दे रखी हैं हम इसको एक्स वाई प्लेन में प्लॉट करके देखते हैं कि कैसे हमको देखने को मिलेगी। तो पहला जो अंदर वाला इंटीग्रेंड है जिसमें कि वाई की लिमिट्स हैं, वो तो वहाँ से हमको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ से देखने को मिलेगा कि वाई इज इक्वल टू जीरो टू वाई इज इक्वल टू एक्स, और फिर एक्स इज इक्वल टू जीरो टू x इज इक्वल टू इन्फिनिटी। माई डियर मैथमेटिक्स के अंदर जो x एक्सिस होती है वो कुछ नहीं y इक्वल टू जीरो होता है, मतलब x एक्सिस वो एक्सिस है जहां पे सारे के सारे y क्या होते हैं, जीरो होते हैं। तो अगर कोई बोले कि y इक्वल टू जीरो प्लॉट करो, तो माई डियर कुछ नहीं, हमको x एक्सिस ही प्लॉट करनी रहती है लाइक दिस, और यही एक्सिस क्या होती है, y इज इक्वल टू जीरो। इसी तरीके से जो दूसरी एक्सिस है x इज इक्वल टू जीरो, वो कुछ नहीं y एक्सिस है, मतलब y एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे वहाँ पे x के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x की वैल्यूज़ क्या होंगी, जीरो। तो अगर कोई बोले कि x इक्वल टू जीरो प्लॉट करो, तो कुछ नहीं y एक्सिस प्लॉट कर देना इस तरीके से। तो ये हो गई हमारे पास y एक्सिस, विच इज़ नथिंग बट x इज इक्वल टू जीरो। अब आपको पता है y इज इक्वल टू x क्या होती है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन जिसका स्लोप होता है वन। तो यहाँ से जब आप इस लाइन को प्लॉट करेंगे डियर, तो ये हो जाएगी हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स, एक लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, और उसका स्लोप कितना है वन, मतलब एंगल जो x एक्सिस के साथ बनेगा वो बनेगा 45 डिग्री का। फिर बोल रहे हैं x इज इक्वल टू इनफाइनाइट। माई डियर x इज इक्वल टू इनफाइनाइट मतलब कहने का ये है कि ये जो पूरा रीजन है वो x इज इक्वल टू इनफाइनाइट जब हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे, तो देखो मैं पता है कि x इक्वल टू इन्फाइनाइट प्लॉट नहीं कर सकते, लेकिन मैं यहाँ पे एक जनरल प्लॉट कर देता हूँ, और ऐसा मान लेते हैं कि ये हमारे पास जो रीजन है, ये वाली जो लाइन है, ये है क्या, x इज इक्वल टू इन्फाइनाइट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे समझो जो लिमिट्स आपको क्वेश्चन में इनिशियली दे रखी हैं वो क्या दे रखी हैं, y इज इक्वल टू जीरो से लेके y इज इक्वल टू x, मतलब y इज इक्वल टू जीरो से लेके y इज इक्वल टू एक्स। ये एक मैंने एक स्ट्रिप कंसीडर की जिसकी लेंथ अलोंग द y डायरेक्शन कहाँ तक जा रही है, y इज इक्वल टू जीरो से लेके y इज इक्वल टू एक्स तक, और ये इस रीजन में ही जा सकती है, मतलब इस रीजन में, ये जो रीजन है ये वाला पूरा, वेयर x इज इक्वल टू जीरो से लेके x इक्वल टू इन्फाइनाइट तक, ठीक है, यहाँ तक ही जा सकती है। अब यहाँ पे बात आती है कि इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कैसे करें, है ना, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कैसे करें। माय डियर आप कोई सी भी तिकड़म लगा के देख लेना, ये इंटीग्रल आपसे सॉल्व नहीं होने का, ठीक है,
एक्सपोनेंशियल में देखो दो 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 वेरिएबल हैं, एक्स भी है और वाई भी है। तो ऐसे क्वेश्चन को जब आप देखो, पहले आप इसको सॉल्व करके देख लेना, ऐसे ही कोई सा भी मेथड यहाँ पे लगा लेना, नहीं लगेगा, सॉल्व नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करना रहता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लगाते हैं चेंज ऑफ ऑर्डर का कंसेप्ट। जब चेंज ऑफ ऑर्डर का कंसेप्ट आपको लगाना है तो सबसे पहले देखो, ये जो अंदर वाला इंटीग्रेशन, अंदर वाला जो इंटीग्रेंड है जहाँ पे y की लिमिट है, और जो बाहर वाला इंटीग्रेंड है जो जहाँ पे x की लिमिट है, इनके हम ऑर्डर चेंज करते हैं। तो ऑर्डर कैसे चेंज करते हैं, मतलब जो स्ट्रिप हमारी वर्टिकल थी हम उस स्ट्रिप को मानते हैं एज अ हॉरिजॉन्टल। इस तरीके से हमने एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कंसिडर की जिसकी लेंथ x इज इक्वल टू y से लेके x इज इक्वल टू इन्फाइनाइट तक जा रही है, और इस रीजन में ये ट्रेवल कर सकती है, मतलब y इज इक्वल टू जीरो से लेकर के y। अब देखो जहाँ पे ये लाइन मीट करेगी, मतलब x इज इक्वल टू इन्फाइनाइट पे y इक्वल टू इन्फाइनाइट होगा। तो ये y इज इक्वल टू जीरो से लेके y इज इक्वल टू इन्फाइनाइट तक जा सकती है। तो मैं जब इस इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करूँगा तो ये जो इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब ये जो अंदर वाली लिमिट्स थी y की, अब ये हो जाएंगी x की, मतलब यहाँ पे अब हम लिखेंगे x इज इक्वल टू y से लेकर के इन्फाइनाइट तक, ठीक है। और जो बाहर वाला इंटीग्रेंड हो जाएगा, ये हो जाएगा y की लिमिट, जहाँ पे y वेरी करेगा कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके इन्फाइनाइट तक। और अंदर वाला फंक्शन ऐसे का ऐसा ही रहेगा, e रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई वाई। अब ये जो पहला इंटीग्रेशन सॉल्व होगा ये होगा x के रिस्पेक्ट में, फिर अगला होगा y के रिस्पेक्ट में। इस तरीके से यहाँ पे ये आंसर निकल करके यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर। अब यहाँ पे हम बड़ी आसानी से काम कर सकते हैं, क्या, जब हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो माय डियर y को क्या मानेंगे, कांस्टेंट। y को क्या मानेंगे, कांस्टेंट। अब यहाँ पे एक काम हम ये कर सकते हैं, और वो क्या, यहाँ पे मैं एक सब्स्टिट्यूशन कर सकता हूँ, और वो ये कि मैं एक्स स्क्वायर बाई वाई को ट्रीट कर सकता हूँ एक नया बाई, मैंने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया t से। अब यहाँ पे y क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में सारी बातें हो रही हैं। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू y dt, या फिर हम कह दें x dx इज इक्वल टू y y2 dt, ठीक है। अब ये देखो ये पूरा x dx, ये जो पूरा x dx है इसको हम लोग y y2 dt से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो जब ये पूरा का पूरा इंटीग्रेंड कैसा हो जाएगा, e रेज टू दी पावर एक्स स्क्वायर बाई बाई को क्या सब्स्टिट्यूट किया है, t, तो ये हो जाएगा माइनस टी, माइनस टी। और एक्स डी एक्स को हम लोग वाई बाई टू डी टी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, वाई बाई टू डी टी, और ये हो गया हमारे पास डी वाई। यहाँ से y वेरी कर रहा है जीरो से लेके इन्फाइनाइट तक। अब माय डियर यहाँ पे आप देखो, ये जो x था आपने इसको सब्स्टिट्यूट किया है इससे, तो यहाँ पे अब ये जो लिमिट होंगी ये t की लिमिट्स होंगी, ये लिमिट किसकी होंगी, t की होंगी। तो जब x इक्वल टू y था उस वक्त t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे y पुट कर दो तो y स्क्वायर अपॉन y कितना हो जाएगा, y, तो t जो हो जाएगा ये हो जाएगा y, ठीक है, t हो जाएगा y। उसके बाद जब x की वैल्यू कितनी होगी, इनफाइनाइट, जब x की वैल्यू इनफाइनाइट होगी तो इसमें रख देना, तो t भी हमारे पास कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, t भी कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन अब बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा, और वो कैसे, y से कोई लेना देना नहीं है, y का सारा हम कॉन्स्टेंट मानेंगे जब हम t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो सिर्फ e की पावर माइनस t का हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, e की पावर माइनस t का क्या करना है, हमको इंटीग्रेशन करना है। अब यहाँ पे देखिए e की पावर माइनस t का जो इंटीग्रेशन होगा ये होगा कितना, माइनस ऑफ e की पावर माइनस t बिटवीन द लिमिट्स t इज इक्वल टू y से लेके इन्फाइनाइट तक, ठीक है। और ये जो बचा हुआ इंटीग्रेशन है बिटवीन द लिमिट्स y इज इक्वल टू जीरो से लेके इन्फाइनाइट, जब आप सारी वैल्यूज यहाँ रखेंगे तो माइनस वन बाई टू को तो बाहर ले लो,
ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू जीरो से लेके इन्फाइनाइट तक, यहाँ आ जाएगा वाई ई रेस्ट टू द पावर माइनस इन्फाइनाइट माइनस ई रेस्ट टू द पावर माइनस वाई, और ये हो जाएगा हमारे पास डी वाई। ई रेस्ट टू द पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है माई डियर, ये होता है ज़ीरो, और जब ये सॉल्व होगा तो ये हो जाएगा हाफ इंटीग्रेशन ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो से लेके इन्फाइनाइट y इंटू ई रेस टू द पावर माइनस वाई डी वाई, ठीक है। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है तो कुछ नहीं, बहुत आसान, कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे कोई भी यू वी वाला फॉर्मूला नहीं लगाएगा, ठीक है, जो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 11th 12th क्लास में यू वी, इस तरीके से आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स जिसको कहते हैं, वो फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगाना है। एक शॉर्ट ट्रिक है, और वो क्या, वो यहाँ पे समझो, यहाँ पे एक फंक्शन ऐसा कंसीडर करते हैं, यहाँ पे देखो ये क्या लिखा था y, जिसका कंटिन्यूस डिफरेंशिएशन करने पे वो फाइनली क्या हो जाए जीरो, मतलब कोई पॉलिनोमियल हो सकता है जैसे y क्यूब, ठीक है, अगर y क्यूब मान लो होता y के बदले पे, तो अगर हम इसका पहला डिफरेंशिएशन करते तो आता 3y स्क्वायर, दूसरा डिफरेंशिएशन करते तो कितना होता 6y, तीसरा डिफरेंशिएशन करते कितना आता 6, और चौथा डिफरेंशिएशन फाइनली क्या हो जाता 0। तो ऐसा कोई फंक्शन हमको देखना रहता है, ऐसा कोई फंक्शन हमको यहाँ पे देखना रहता है जिसका डिफरेंशिएशन करने पे लगातार वो क्या हो जाए एक बार फाइनली आके 0। तो देखो ऐसे एक फंक्शन को उठाओ, तो यहाँ पे हमारे पास 1/2 तो बाहर लिखा हुआ है ही, अब यहाँ पे देखो इस फंक्शन को हमने एज इट इज लिख लिया इस तरीके से वाई, इसके बाद ई रेस्ट टू द पावर माइनस वाई का क्या कर दो इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा कितना माइनस ऑफ ई रेस्ट टू द पावर माइनस वाई, फिर लगाएंगे माइनस का साइन। अब ये वाली जो क्वांटिटी है इसका यहाँ पे कर देंगे क्या डिफरेंशिएशन उसी के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा कितना 1, ठीक है। अब ये जो क्वांटिटी आई है इसका यहाँ पे कर दो क्या इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा फाइनली ई रेस्ट टू द पावर माइनस वाई, और ये जो लिमिट्स हैं ये पूरी कहाँ से कहाँ तक जाएंगी, जीरो से लेके इन्फाइनाइट तक, समझ में आ गया क्या किया। फिर अगला, अगर मान लो यहाँ पे वाई स्क्वायर लिखा होता, यहाँ पे अगर वाई स्क्वायर लिखा होता तो यहाँ पे क्या आता माइनस टू वाई, फिर सॉल्व करना होता तो यहाँ पे प्लस लगा के 2y का डिफरेंशिएशन करते, और फिर इस वाले e की पावर माइनस वाई का फर्दर इंटीग्रेशन करते, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम इतना बड़ा है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे हमने ऐसा कर दिया, तो ये बना। ठीक है, अब यहाँ पे हम फाइनली क्या करते हैं लिमिट्स पुट करते हैं और देखते हैं क्या आता है, हाफ ओके। अब यहाँ पे हम जब फाइनली लिमिट्स पुट करेंगे तो देखेंगे क्या आएगा, तो यहाँ से हम लोग माइनस वाई माइनस वन को कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ लिख सकते हैं ई रेस्ट टू द पावर माइनस वाई जीरो से लेके इन्फाइनाइट तक। जब ई रेस्ट टू द पावर माइनस इन्फाइनाइट हो जाएगा तो ये हो जाएगा पूरा टर्म जीरो, ठीक है। जब आप इन्फिनिटी पुट करेंगे यहाँ पे तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा जीरो, तो वो हो जाएगा ख़त्म यहाँ पे, फिर आ जाएगा माइनस। जब वाई की वैल्यू यहाँ पे जीरो हो जाएगी तो ये हो जाएगा माइनस वन और ई रेस्ट टू द पावर माइनस जीरो, तो कुल मिलाकर के ये फाइनली बनेगा 1/2, और यही हो जाएगा हमारे पास क्या इसका आंसर। तो इसका जो फाइनल आंसर आया ये आया 1/2, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा। तो मैथमेटिक्स में जितने भी प्रॉब्लम थे वो हमने कर लिए हैं, 3 क्वेश्चन मैंने क्विज में डाले थे। अब हम चलते हैं अपने मैकेनिक्स के पोर्शन की तरफ, ठीक है। अब हम चलते हैं मैकेनिक्स के पोर्शन की तरफ, और बहुत ही शानदार प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 4 आपको आपकी स्क्रीन के सामने देखने को मिलेगा। एक रॉड है जिसका मास है M और लेंथ है L, उसको हिंज किया गया है एट A, ये पॉइंट नंबर A क्या है हिंज, और टाइट किया गया है दूसरा एंड उसका एक रोप से, वर्टिकल रोप है B एंड पे, ठीक है। जब हम इस रोप को कट करेंगे तो उस इंस्टेंट पे, एज एट द इंस्टेंट व्हेन द रोप इज कट, जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन डेवलप होगी हिंज A पे उसका मैग्नीट्यूड हमको यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप इसकी फिजिक्स समझिए, और वो फिजिक्स ये है माय डियर कि जैसे ही आप इस रोप का, रोप को कट करेंगे तो माय डियर यहाँ पर
इस रॉड का वेट होगा इसके सेंटर ऑफ मास पे जो लग रहा होगा, जो कि एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा इस हिंज के अबाउट। और ये जो रॉड है माय डियर, ये एक सर्कुलर मोशन में जाने लगेगी, ठीक है, सर्कुलर मोशन में ये मूव करने लगेगी। ये है यहाँ पे इसका कंसेप्ट। अब यहाँ पे समझो एट द मूवमेंट जो वर्ड है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जैसे जैसे रॉड सर्कुलर मोशन में जाएगी तो माय डियर हर इंस्टेंट पे यहाँ पे लगने वाली जो रिएक्शन है वो होंगी चेंज, ठीक है। वो क्यों होंगी? क्योंकि माय डियर ये जो वेट की वजह से, अभी यहाँ पे जब आप इसका टॉर्क देखोगे तो माय डियर आप एक बात समझो, और वो ये कि वेट का जो ये भी कंपोनेंट है, ठीक है, जैसे ये अभी पर्टिकुलर वेट का ये वाला कंपोनेंट क्या करेगा, टॉर्क प्रोड्यूस करेगा इस पॉइंट के अबाउट, और ये जो एंगल है माय डियर ये कंटिन्यूसली चेंज हो, ये एंगल जो है ये डिपेंड है इस एंगल पे, और जैसे जैसे रॉड रोटेट कर रही है वैसे वैसे ये एंगल चेंज होगा, जिसकी वजह से रॉड पे लगने वाला नेट टॉर्क हर इंस्टेंट पे चेंज होगा, जिसकी वजह से हिंज पे लगने वाली रिएक्शन हर इंस्टेंट पे चेंज होंगी। लेकिन यहाँ पे बात की गई है उस इंस्टेंट पे कि जैसे ही हमने इस रोप को कट किया उस इंस्टेंट पे हमको रिएक्शन पता करनी है, ठीक है। तो इस बात को यहाँ पे आप समझिए कि यहाँ पे एट द इंस्टेंट का मतलब क्या होता है इन क्वेश्चंस में, क्लियर। तो समझते हैं इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पे अब हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप मेरी बात यहाँ पे ध्यान से सुनिए कि मैं यहाँ पे जो आपको बात बताने जा रहा हूँ वो क्या, सबसे पहले मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाता हूँ, ठीक। मैंने इस तरीके से यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, और ये जो आपके पास इनिशियली जो हिंज है ना, ये जो आपके पास इनिशियली हिंज है वो मैंने इस ओरिजिन पे कंसीडर कर ली इस तरीके से, ये है हिंज, ठीक। और इस इंस्टेंट पे जब ये एंगल 60 डिग्री बना रही थी, जैसे ही हमने थ्रेड काटा, तो उस इंस्टेंट पे मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा रहा हूँ क्या रॉड, वन सेकेंड, ठीक है, थोड़ा और अच्छा बना दें, ओके। तो ये जो इंस्टेंट है पर्टिकुलर, लेट अस से कि ये जो एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, ये बन रहा है कितना, थीटा, ठीक है। अब एक बात आप यहाँ पे समझिए कि ये है पॉइंट नंबर ए और ये है पॉइंट नंबर बी, ये है पॉइंट नंबर ए और ये है पॉइंट नंबर बी। अब यहाँ पे जो लगने वाले फोर्स होंगे वो क्या होंगे, एक इसका वेट लग रहा होगा नीचे की तरफ, और ये जो वेट होगा माय डियर ये होगा कितना, एम जी, और कहाँ लगेगा, सेंटर ऑफ मास पे लगेगा। तो माय डियर कुल मिलाकर के ये जो डिस्टेंस हो जाएगी ये हो जाएगी एल बाई टू, और ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी माय डियर, एल बाई टू, ठीक है। माय डियर मैं यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट सिस्टम अपना कंसीडर कर रहा हूँ ना, वो कर रहा हूँ अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड, मतलब ये मेरे पास हो गई एक्स एक्सिस और ये हो गई मेरे पास क्या, वाई एक्सिस, ठीक है। अब ये जो इसका ये वाला जो पोर्शन है ना,
जहाँ पे इसका वेट कंसंट्रेटेड मान सकते हैं हम एट द डिस्टेंस एल बाई टू फ्रॉम द हिंज, ये क्या कर रहा होगा, सर्कुलर मोशन करेगा जैसे ही इस थ्रेड को कट कर देंगे। तो जब ये सर्कुलर मोशन करेगा डियर, तो इस सर्कुलर मोशन की ट्रेजेक्टरी कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे समझो कुछ बातें मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, और वो क्या, वो ये कि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक परपेंडिकुलर डालता हूँ इस रॉड पे लाइक दिस, ठीक है। अब देखो ये एंगल थीटा, ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा। तो इस mg के दो कंपोनेंट यहाँ पे टूटेंगे, एक होगा mg cos थीटा जो कि होगा परपेंडिकुलर टू द रॉड, और एक होगा इस डायरेक्शन में, ये हो जाएगा mg sin थीटा जो कि होगा अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड, ठीक है। माय डियर यहाँ पे एक बात समझो कि इस इंस्टेंट पे जो रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा इस हिंज पे, अगर हम इस रिएक्शन फोर्स की बात करें इस हिंज पे एक्स डायरेक्शन में, वो लग रहा होगा कितना, आर एक्स, ठीक है। और एक रिएक्शन फोर्स की मैं बात करता हूँ वाई डायरेक्शन में, तो वो यहाँ लग रहा होगा लेट अस से आर वाई, क्लियर। अब आप एक बात यहाँ पे समझिए, और वो ये कि ये जो पॉइंट है सेंटर ऑफ मास, ये क्या होगा, सर्कुलर मोशन में होगा। अब किसी भी बॉडी को सर्कुलर मोशन में रहना है तो उस बॉडी पे एक नेट फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर लगेगा जो कि क्या क्रिएट करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एक नेट फोर्स हमको कहाँ देखने को मिलेगा, टूवर्ड्स दिस हिंज जिसके अबाउट ये बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, और उसकी वजह से इस पे लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से लगने वाला जो एक्सेलरेशन होगा रेडियल डायरेक्शन में, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, रेडियल एक्सेलरेशन या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इस बॉडी पे कुछ ना कुछ रेडियल एक्सेलरेशन लगेगा, डेट इज मैंने इसको कर दिया ए आर। अब बॉडी के ऊपर देखो, बॉडी के ऊपर ये जो सर्किल है इसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है एम जी कॉस थीटा, ठीक है, जो मतलब अलोंग द वाई एक्सिस अगर आप देखो तो इस बॉडी के अंदर माय डियर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा, और वो होगा क्या, ए टी, क्योंकि ये जो नेट फोर्स है अलोंग द वाई डायरेक्शन एम जी कॉस थीटा माइनस आर वाई अगर हम इसको कहें, तो ये जो नेट फोर्स है अलोंग द वाई डायरेक्शन, मुझे यहाँ पे अभी नहीं पता कि आर वाई की वैल्यू जीरो है या नॉन जीरो है, मैंने कंसिडर कर लिया। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स होगा वाई डायरेक्शन में वो क्या होगा, एम जी कॉस थीटा माइनस आर वाई जो कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब इस बॉडी के ऊपर एक टेंजेंशियल फोर्स है जिसकी वजह से इस बॉडी पे लगेगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जिसकी वजह से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लगने की वजह से बॉडी का जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा हर इंस्टेंट पे, बोलो हाँ, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ नहीं करना, न्यूटन्स के लॉज का सिंपल हम एप्लीकेशन करेंगे, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अलोंग वाई एक्सिस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अलोंग दी वाई एक्सिस। जब हम वाई एक्सिस की बात करेंगे तो वाई एक्सिस में हम लोग क्या लगाते हैं, सेकंड रूल लगाते हैं, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग अलोंग द वाई एक्सिस विल बी इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, यही तो था न्यूटन का सेकंड लॉ। अगर किसी बॉडी पे लगने वाले नेट एक्सटर्नल फोर्स नन जीरो हैं तो उस बॉडी का एक्सेलरेशन नन जीरो होगा, और उस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, यही तो था न्यूटन का सेकंड लॉ। अब यहाँ पे वाई डायरेक्शन में जो नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं वो मैं, क्योंकि बॉडी का जो रोटेशन का सेंस होगा ना वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा ऐसे, तो कुल मिलाकर के मतलब कहने का ये है कि एम जी कॉस थीटा मुझे यहाँ पता है कि 100% आर वाई से बड़ा होगा, ठीक है, तब ये बॉडी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर पाएगी। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, डेट इज एम जी कॉस थीटा माइनस ऑफ आर वाई विल बी इक्वल टू एम डॉट एटी एटी, ठीक है, ये हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्लियर।
अब ये बॉडी क्या है, एक रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी। तो यहाँ पे अगर हम लोग कंसेप्ट लगाते हैं रोटेशन का, तो जो नेट टॉर्क होगा माय डियर अबाउट द पॉइंट ए विल बी इक्वल टू द आई नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए इनटू अल्फा, ठीक है, नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, ठीक है। तो एम जी कॉस थीटा इनटू एल बाई टू विल बी द नेट टॉर्क एक्टिंग अबाउट दिस पॉइंट ए। देखो एम जी कॉस थीटा ये है और इसका जो वर्टिकल डिस्टेंस है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हिंज पॉइंट से, वो है कितना, एल बाई टू, ठीक है। क्योंकि आर वाई का तो मूवमेंट जीरो हो जाएगा ए पॉइंट के अबाउट, तो यहाँ पे देखो नेट मूवमेंट जो होगा ये हो जाएगा एम जी कॉस थीटा इंटू एल बाई टू विल बी इक्वल टू आई अल्फा, वेयर जिस एक्सिस के अबाउट नेट टॉर्क लेते हो उसी एक्सिस के अबाउट माय डियर नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना होता है, नेट मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्योंकि टॉर्क आपने हिंज के अबाउट लिया है तो नेट मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हिंज के अबाउट लेना पड़ेगा। सेंटर ऑफ मास के अबाउट रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो एम एल स्क्वायर बाई 12, और हिंज के अबाउट जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है रॉड का वो होता है एम एल स्क्वायर बाई 3, ठीक है। तो यहां पे हमने इसको लिख लिया एम एल स्क्वायर बाई 3, ठीक। अब यहां पे एक बात समझो, ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है डेट इज ए टी, ये हो जाएगा कितना, आर इंटू अल्फा, आर इंटू अल्फा। अब आर क्या, सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस अबाउट द हिंज पॉइंट, कितना है एल बाई 2, कितना है एल बाई 2, ठीक है। तो यहां से जो ए टी हो जाएगा ये हो जाएगा एल बाई 2 अल्फा, ए टी कितना हो जाएगा एल बाई 2 अल्फा। तो यहाँ से हम लोग अल्फा को लिख सकते हैं 2 बाई एल इंटू ए टी, और इसको यहाँ पे रख देना तो ये हो जाएगा 2 बाई एल इंटू ए टी, ठीक। तो देखो एल 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 आपस में कट जाएंगे, यहाँ से एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा इंटू 1 बाई 2 निकल करके आ जाएगा 2 बाई 3 एम इंटू ए टी, 2/3 इंटू एम इंटू ए टी। यहाँ से देखो एम से एम भी कट गए, जब एम से एम भी कट गए तो यहाँ से सिंपली ए टी निकल करके आ जाएगा, और ये निकल करके आ जाएगा 3g cos थीटा बाई 4। कुल मिलाकर के बात ये है कि जो नेट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, 3g cos थीटा बाई 4। यहाँ पे देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी हर इंस्टेंट पे चेंज हो गया, क्योंकि थीटा चेंज हो रहा है, ठीक है, ये हो गया। अब इसकी वैल्यू को उठा करके आप इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे तो आर वाई पता चल जाएगा। तो आर वाई जो होगा ये हो जाएगा एम जी कॉस थीटा माइनस एम एम ए टी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास एम जी कॉस थीटा माइनस 3mg कॉस थीटा बाई 4, और ये निकल करके आ जाएगा हमारे पास एम जी कॉस थीटा बाई 4। ये हो गया क्या, आर वाई, इसकी अभी ज़रूरत पड़ेगी। ये हो गया एक आर वाई, ठीक है, क्लियर। यहाँ से हमको पता चल गया कि जो इस इंस्टेंट पे जो वर्ट वाई एक्सिस के अलोंग जो हिंज रिएक्शन होगी वो होगी आर वाई, क्लियर। अब हम बात करते हैं सिमिलरली अलोंग दी एक्स एक्सिस, along the x-axis, x-axis के along जब हम यहाँ पे बात करते हैं डियर, तो समझो फिर से वही कंसेप्ट है, न्यूटन का सेकेंड लॉ लगाएंगे, दैट इज नेट एक्सटर्नल फोर्स along the x-axis विल बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन along the x-axis। अब x-axis इज नथिंग बट द रेडियल एक्सिस, तो जो नेट फोर्स होना चाहिए टूवर्ड्स द ए होना चाहिए, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स हमको चाहिए। तो जाहिर सी बात है एम जी साइन थीटा विल बी ग्रेटर देन द आर एक्स। तो मैं इनवर्ड वाले को पॉजिटिव ले लेता हूँ, तो मेरे को पता है कि एम जी साइन थीटा माइनस आर एक्स विल बी इक्वल टू एम इंटू ए आर, एम इंटू ए आर, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई बात। अब यहाँ पर आप इस बात को समझिए, ये जो रेडियल एक्सेलरेशन होता है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या होगा, आर ओमेगा स्क्वायर, आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है।
लेकिन एक बात यहाँ पे समझो कि उस इंस्टेंट पे जब हमने जो आपका थ्रेड था उसको बर्न किया था, देखो यहाँ पे एट द इंस्टेंट व्हेन द थ्रेड बी इज कट या फिर बर्न, तो इनिशियली उस इंस्टेंट पे अचानक से इसमें एंगुलर वेलोसिटी तो नहीं आ गई होगी, कुछ ना कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड तो लगेगा ना इसको मोशन करने में। लेकिन जैसे ही आप इस थ्रेड को कट करेंगे माय डियर, इसके पास इनिशियली एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। जब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी डियर जीरो होगी तो कुल मिलाकर के बात यह है कि इनिशियली जो रेडियल एक्सेलरेशन होगा वो हो जाएगा जीरो। जब रेडियल एक्सेलरेशन जीरो होगा तो माय डियर आर एक्स जो होगा ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा के बराबर। कहने का मतलब ये है माय डियर कि एट द इंस्टेंट व्हेन द थ्रेड इज कट द नेट फोर्स एक्टिंग अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड इज जीरो, दैट्स व्हाई द रेडियल एक्सेलरेशन इज जीरो। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो आर एक्स हमको पता चल गया और आर वाई हमको पता चल चुका है। अब यहां पे क्वेश्चन में बोल रहे हैं हॉरिजॉन्टल रिएक्शन हमको पता करनी है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन हमको पता करनी है। माय डियर एक बात समझो कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा, ठीक है, और ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा और ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के अगर मैं इस आर वाई का कंपोनेंट लेता हूं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो ये हो जाएगा इस डायरेक्शन में, डेट इज आर वाई साइन थीटा, और आर एक्स कंपोनेंट लेता हूँ इस डायरेक्शन में तो ये हो जाएगा कितना, आर एक्स कॉस थीटा, ठीक है, क्लियर। इस तरीके से तो अगर हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल रिएक्शन की, तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन इज नथिंग बट द रिजल्टेंट ऑफ दिस आर एक्स कॉस थीटा माइनस आर वाई साइन थीटा, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, आर एक्स कॉस थीटा माइनस आर वाई साइन थीटा। सो आर एक्स कितना है हमारे पास, एम जी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस आर वाई कितना है हमारे पास, एम जी बाई फोर, एम जी बाई फोर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये निकल करके आ जाएगा कुल मिलाकर के हमारे पास 3mg/8 साइन 2θ, ठीक है, इसको आप इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। किस इंस्टेंट पे पूछा है, व्हेन द एंगल इज 60 डिग्री, व्हेन द एंगल इज 60 डिग्री। जब आप एंगल 60 डिग्री इसमें पुट कर देंगे डियर तो ये हो जाएगा 3/8 इंटू साइन 120 mg, और 3/8 इंटू साइन 120 को जब आप सॉल्व करोगे तो ये निकल कर आ जाएगा 0.324 mg, ठीक है, 0.324 mg। तो इसका जो आंसर निकल करके आया ये निकल करके आया बी फॉर बॉम्बे, ठीक है, क्लियर, ऑल राइट। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन, ठीक है, ओके। नाउ अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, एक सिलेंडर है जिसका रेडियस है 0.1 मीटर और मास है उसका 2 kg, इज प्लेस्ड सच डेट इट इज इन कॉन्टैक्ट साइमल्टेनियसली विद अ वर्टिकल सरफेस एंड ए हॉरिजॉन्टल सरफेस एज शोन इन द फिगर। दोनों ही सरफेस के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन का जो कोफिशियंट है वो कितना है, 1/3। फाइंड द डिस्टेंस स्मॉल डी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सिलेंडर एट विच द फोर्स एफ इज इक्वल टू 40 newton शुड बी अप्लाइड so that the cylinder just starts rotating in anti-clockwise direction. Take g is equal to 10 m/s². देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, कॉन्टेक्ट में बना रहना चाहिए वर्टिकल वॉल के साथ और हॉरिजॉन्टल वॉल के साथ।
ये जो वर्टिकल वॉल है इसके साथ कॉन्टैक्ट में बना रहे और हॉरिजॉन्टल फ्लोर के साथ कॉन्टैक्ट में बना रहे। साथ ही साथ हमको सेंटर से डी डिस्टेंस दूर हमको एक फोर्स लगाना है 40 न्यूटन का, जिसकी वजह से ये जो रोलर है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होना शुरू हो जाए। तो उस पर्टिकुलर डिस्टेंस डी की वैल्यू यहाँ से हमसे पूछी है। तो सबसे पहली बात आप यहाँ पर समझिए कि ये भी रफ है और ये भी रफ है, दोनों ही तरफ फ्रिक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक, अब यहाँ पे समझो, मैं यहाँ पे इसका बनाने जा रहा हूँ क्या, सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम। ये मैंने बनाया यहाँ पे क्या, फ्री बॉडी डायग्राम। ये है हमारे पास क्या, रोलर जिसका रेडियस ऑफ रोटेशन है ये। इस रोलर का जो मास होगा वो इसके सेंटर पे लगेगा, वेट कितना लगेगा, एम जी, जी का वैल्यू 10 लेना है, एम है 2, तो नेट वेट जो होगा 20 न्यूटन का वो लगेगा इस रोलर के सेंटर पे, लाइक दिस। ठीक है, यहां पे हमने एक फोर्स लगाया है एट अ डिस्टेंस स्मॉल डी, और इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है यह 40 न्यूटन, और इस तरीके से कि ये जो रोलर है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने लगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने लगे। ठीक है माय डियर, लेट अस से जब ये रोड, ये जो रोलर है जब ये रोटेट करने लगेगा, तो लेट अस से यहाँ पे जो आपके पास इसका फ्रिक्शन फोर्स आएगा इस इंस्टेंट पे होगा इस डायरेक्शन में, लेट अस से ये हो गया हमारे पास क्या, F1। ठीक है, कितना हो गया F1, और इसके ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, लेट अस से दिस इज द सरफेस 1 एंड दिस इज द सरफेस 2, तो इस के ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, नॉर्मल रिएक्शन ऑन द रोलर अप्लाइड बाय द सरफेस 1, दैट इज हो गया NR1। ठीक है, इसी तरीके से माय डियर यहां पे जो वर्टिकल वॉल है उसकी वजह से भी इसमें क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा, और उस फ्रिक्शन का मैं उस फ्रिक्शन को मैं कंसीडर कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, ये हो गया लाइक दिस। ठीक है, और ये हो गया इट इज F2। ठीक, ये हो गया F2, और इसका जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो होगा कुछ इस तरीके से, डेट इज नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग ऑन द रोलर, नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग ऑन द रोलर बाई द सरफेस नंबर 2। तो ये हो गया हमारे पास कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम। ये हो गया हमारे पास कितना, ये हमारे पास हो गया क्या, फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, कंप्लीट। क्वेश्चन में एक वर्ड मेंशन है, डेट इज जस्ट स्टार्ट रोटेटिंग। जस्ट स्टार्ट रोटेटिंग का मतलब क्या है, जस्ट स्टार्ट रोटेटिंग का मतलब है एट द वर्ज ऑफ मोशन, एट द वर्ज ऑफ मोशन मतलब मोशन जस्ट होने वाला है, हुआ नहीं है, तो एट द वर्ज ऑफ मोशन पे स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा। ठीक है, एट द वर्ज ऑफ मोशन पे स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा, मैक्सिमम। स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो जीरो से लेके एफ एस मैक्स तक वेरी करता है ना, एफ एस मैक्स की वैल्यू क्या होती है, म्यू इंटू एन। तो अगर कोई मेरे से यहाँ पे बोलेगा कि एफ वन की वैल्यू बताओ, तो एफ वन की जो वैल्यू होगी ये होगी कितनी, म्यू इंटू एन आर वन, और कोई मुझसे बोलेगा एफ टू की वैल्यू बताओ तो वो होगी कितनी, म्यू इंटू एन आर टू। क्लियर, ये है कहानी सारी। अब यहाँ पे समझो, एट द वर्ज ऑफ मोशन पे है मतलब इक्विलिब्रियम में ही है यार, और इक्विलिब्रियम में है तो मैं यहाँ पे सिंपली नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन 0, नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन 0, और नेट टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट 0 कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। ठीक है, तो वही यहाँ पे करना है। अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, नेट फोर्स अलोंग द एक्स डायरेक्शन क्या करते हैं, 0। लेट अस से कि ये है x एक्सिस और ये है हमारे पास क्या, y एक्सिस। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या, वो ये कि जो नेट फोर्स है x डायरेक्शन में वो हमको क्या करने हैं, 0। तो नेट फोर्स जो x डायरेक्शन में लग रहा है वो लग रहा है क्या, F1, और एक लग रहा है NR2, और कोई तो फोर्स नहीं है x डायरेक्शन में, नहीं है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो F1 की वैल्यू है ये NR2 के बराबर आ जाएगी, NR2 के बराबर आ जाएगी। और इस इक्वेशन से देखो F1 की वैल्यू 1/3 है किसके, NR1 इंटू NR2,
एफ वन का मैग्नीट्यूड कितना है, एन आर वन बाई थ्री। ठीक है, तो यहाँ से एक बात पता चल गई कि जो एन आर वन होगा ये थ्री टाइम्स ऑफ एन आर टू होगा। ये आ गई पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन देखिए, नेट फोर्स अलोंग द वाई डायरेक्शन क्या करना है, ज़ीरो। नेट फोर्स अलोंग द वाई डायरेक्शन ज़ीरो करना है माई डियर। तो सबसे पहले देखो बॉडी का वेट 20 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो मैंने लिख लिया -20। ठीक है, एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स 40 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, लिख लिया माइनस का 40। नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में प्लस एन आर वन। फ्रिक्शन फोर्स बाई द वर्टिकल वॉल एफ टू, वर्टिकल डायरेक्शन में एफ टू क्या हो गया, ये वर्टिकल अपवर्ड तो ये हो गया, प्लस एफ टू इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आप देखिए कि जो एन आर वन प्लस एफ टू की वैल्यू है ये है कितनी, 60 न्यूटन। अब यहाँ पे एफ टू की वैल्यू जो है वो कितनी है, एन आर टू बाई थ्री। तो यहाँ से देखो एन आर वन प्लस एन आर टू बाई थ्री इज इक्वल टू 60। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये हो जाएगा 3 NR1 प्लस एन आर टू इज इक्वल टू 180। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, एन आर वन की वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो यहाँ से हमको पता चल जाएगा डेट इज़ 3 3s are 9। सो ये हो जाएगा 9 + 1 10 NR2। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि एन आर टू की वैल्यू आ जाएगी 18 न्यूटन और एन आर वन की वैल्यू आ जाएगी 54 न्यूटन। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन पता चल गया, फ्रिक्शन फोर्स पता चल जाएंगे, फ्रिक्शन फोर्स पता चल जाएंगे। तो यहाँ से एफ वन की वैल्यू आ जाएगी एन आर वन का 1/3 मतलब 54/3 डेट इज 18 न्यूटन और फ्रिक्शन एफ टू की वैल्यू हमको पता चल जाएगी डेट इज 18/3 डेट इज 6 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ से हमको एफ टू की भी वैल्यू पता चल गई। ओके, सारे फोर्सेस पता हैं। अब सिंपल सिर्फ ये डी अननोन है, तो इसको करने के लिए कुछ भी नहीं करना है। नेट मूवमेंट अबाउट दिस, किसी भी पॉइंट के अबाउट कर सकते हो, किसी भी पॉइंट के अबाउट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक ऐसा पॉइंट सिलेक्ट कर लो जहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्सेस पास हो रहे हो, तो उनकी वजह से लगने वाला मूवमेंट क्या हो जाएगा, उस पॉइंट के अबाउट जीरो हो जाएगा। तो या तो आप ये वाला पॉइंट सिलेक्ट कर लो जो कि कॉन्टैक्ट, हॉरिजॉन्टल कॉन्टैक्ट वाला, या फिर वर्टिकल वॉल के साथ जो कॉन्टैक्ट में है। ठीक है, कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लो। तो अगर मैं यहाँ पे कंसीडर करता हूँ, लेट अस से ये पॉइंट है ए, इसके अबाउट में क्या करता हूँ, नेट मोमेंट क्या करता हूँ, ज़ीरो। ठीक है, नेट मोमेंट क्या करता हूँ, ज़ीरो। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, नेट मोमेंट अबाउट ए इक्वल टू ज़ीरो। ठीक, तो सबसे पहले देखेंगे क्या, ये जो डायग्राम है इसको थोड़ा साफ करते हैं। देखिए सबसे पहले 40 जो एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स है उसका हम लोग यहां पे देखते हैं क्या मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट ए। क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम लोग ले लेते हैं पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 40। कितनी डिस्टेंस पे, ये कितना है पूरा आर, ये कितना है पूरा आर, कितना है क्वेश्चन में 0.1। हमको ये डिस्टेंस चाहिए, तो ये हो जाएगा 0.1 - d। ठीक है, प्लस बॉडी का वेट 20 न्यूटन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो सेम सेंस में 20 न्यूटन, आर 0.1 हो गया। फ्रिक्शन फोर्स एफ वन कितना है, 18, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और इस 18 का जो डिस्टेंस है पॉइंट ए से वो कितना है, आर के बराबर, तो ये हो जाएगा 0.1। माइनस ये जो एन आर वन का है मोमेंट काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए माइनस,
और एन आर वन का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है 54 इंटू 0.1, और ये नेट मोमेंट कितना होना चाहिए 0। इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए फटाफट से, इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, मैं भी करता हूँ आप भी कीजिए। वन सेकेंड, तो यहाँ से हमको डी का वैल्यू मिल जाएगा 0.06 मीटर, और इसको जब आप सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारे पास डी का वैल्यू 6 सेंटीमीटर, और क्वेश्चन के अंदर एक ऑप्शन है 6 सेंटीमीटर, वही है हमारा इसका आंसर। तो ये हो गया हमारे पास क्या क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। वेरी गुड, ऑल राइट। ओके, अब ब्लॉक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एक ब्लॉक है स्मॉल m इक्वल टू 4 kg इज अटैच्ड टू अ स्प्रिंग ऑफ कॉन्स्टेंट स्टिफनेस 32 न्यूटन पर मीटर बाय अ रोप दैट हैंग्स ओवर अ पुली, ट्रीट पुली एज अ डिस्क ऑफ मास 8 kg। ये जो डिस्क है, 8 kg की डिस्क है जिसको पुली की तरह ट्रीट करना है, और ये जो स्मॉल m है इसको करना है 4 kg, और ये जो स्टिफनेस है स्प्रिंग का ये कितना है 32 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, इफ द सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट व्हाट व्हेन विद द स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड, इनिशियली जो स्प्रिंग है वो अपनी नेचुरल लेंथ में है, अनस्ट्रेच्ड है, जैसे ही सिस्टम रेस्ट से स्टार्ट करता है उस वक्त जो स्प्रिंग की जो नेचुरल लेंथ है, नेचुरल स्टेट में है स्प्रिंग अपनी। ठीक है, सो जब ये एम मास का ब्लॉक 1 मीटर नीचे आ जाएगा, जब ये एम मास का ब्लॉक 1 मीटर नीचे आ जाएगा उस वक्त इस ब्लॉक की स्पीड कितनी होगी, ये यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, उस वक्त इस ब्लॉक की स्पीड कितनी होगी ये यहाँ पे आपको बताना है। क्लियर, एज्यूम नो स्लिप बिटवीन पुली एंड द रोप, स्लिपिंग नहीं हो रही है पुली और रोप के बीच में। ठीक है, मतलब प्योर रोलिंग का केस कंसिडर कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे समझो कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, है ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, ये यहाँ पे मेन मकसद है हमारा। सो या तो आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा लो या फिर आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लो। ठीक है, या तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा लो या वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ओके, लेट अस से कि ये मैंने यहाँ पे रेफरेंस मान लिया, ये मैंने यहाँ पे रेफरेंस मान लिया, ये मेरे पास है रेफरेंस लाइन, और इस रेफरेंस में जब मैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कंसीडर करूँगा तो माय डियर इस स्प्रिंग के अंदर अभी कोई, अभी जो सिस्टम है अभी रेस्ट में है, इसके अंदर कोई भी स्ट्रेचिंग नहीं है स्प्रिंग के अंदर, तो स्प्रिंग के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी कोई भी स्टोर नहीं होगी। ठीक है, ये ब्लॉक जो है अभी 1 मीटर की डिस्टेंस पे है, 1 मीटर की डिस्टेंस पे है फ्रॉम द डेटम, तो मतलब इसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, और वो कितनी होगी, वो होगी एम जी एच, वेयर एच इज इक्वल टू 1 मीटर। मैं यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर रहा हूँ। लेट अस कंसीडर कि ये जो पॉइंट है हमारे पास, पॉइंट नंबर, स्टेट नंबर ए, और ये जो स्टेट है स्टेट नंबर बी। ठीक है, तो इनिशियली जो नेट एनर्जी होगी ए पे वो क्या होगी, स्मॉल m इंटू जी इंटू एच, स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड है, कोई भी पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग के अंदर नहीं होगी। तो यहाँ पे समझो कि अगर आपको यहाँ पे इसका भी कंसीडर करना है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस डिस्क का, तो कंसीडर कर लो कि ये जो डिस्टेंस है डेटम से ये कितना है, वाई है। ठीक है, तो आप इस बात का यहाँ पे ध्यान देंगे, जो नेट एनर्जी होगी एट लोकेशन ए पे, जब सिस्टम इनिशियली इसी पोजीशन में था जब उसको रिलीज नहीं किया गया था रेस्ट की कंडीशन से, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस कैपिटल एम जी वाई।
लेकिन जैसे ही सिस्टम पॉइंट नंबर बी पे पहुंचा, जैसे ही सिस्टम पॉइंट नंबर बी पे पहुंचा, तो इस रेफरेंस पे आ गया ये वाला ब्लॉक स्मॉल एम वाला, मतलब पॉइंट नंबर बी पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी एम वाले ब्लॉक की वो हो जाएगी कितनी, जीरो। प्लस ये जो पुल्ली है डेट इज डिस्क की शेप में जो है, ये अभी भी उसी लोकेशन पे है एम जी वाई, इसकी हो जाएगी क्या, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन यहाँ पे अब एक चक्कर और है कि जब ये इस डिस्टेंस पे होगा ना, 1 मीटर की डिस्टेंस पे, इस ब्लॉक में कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, तो जिसकी वजह से इसके अंदर आएगी क्या, काइनेटिक एनर्जी। तो ये हो जाएगा हाफ स्मॉल एम वी स्क्वायर, ठीक है, हाफ स्मॉल एम वी स्क्वायर। प्लस अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, इस स्प्रिंग के बारे में, इस स्प्रिंग के बारे में, तो ये हो जाएगी कितनी, इसके अंदर आएगी क्या, पोटेंशियल एनर्जी, और वो कितनी होगी, हाफ के डेल्टा स्क्वायर, वेयर डेल्टा इज द एलोंगेशन इन द स्प्रिंग। अब एलोंगेशन इन द स्प्रिंग इज नथिंग बट द डिस्टेंस मूव बाय दिस ब्लॉक फ्रॉम ए टू बी, डेट इज 1 मीटर। लेकिन साथ में अभी एक चक्कर और है, और वो ये कि ये जो डिस्क है इसका इनर्शिया इफेक्ट डेट इज मास दिया हुआ है, तो ये जो डिस्क है माय डियर ये रोटेट करेगी अबाउट दिस पॉइंट ओ, ये जो ओ है, तो ये हो जाएगा इसके अंदर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगी, डेट इज हाफ आई ओ ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और बाय द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये दोनों एनर्जी आपस में क्या होंगी, बराबर बराबर। तो कुल मिलाकर के बात ये है माय डियर कि स्मॉल एम जी एच प्लस कैपिटल एम जी वाई विल बी इक्वल टू कैपिटल एम जी वाई प्लस हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ के डेल्टा स्क्वायर प्लस हाफ आई नॉट ओमेगा स्क्वायर। माय डियर एम जी वाई से एम जी वाई कैंसिल हो गया, स्मॉल एम का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 4, जी कंसीडर करना है हमको 10, और एच जो है वो है 1, तो ये हो जाएगा कितना हमारे पास 40, कितना हो जाएगा एम जी एच का वैल्यू, ये हो जाएगा 40 इज इक्वल टू हाफ, स्मॉल एम कितना दे रखा है 4, वेलोसिटी हमने ऐसे का ऐसे ही लिख लिया डेट इज वी स्क्वायर प्लस हाफ, स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग कितनी दे रखी है 32, तो ये हो जाएगा के की वैल्यू 32, डेल्टा कितना है 1, ये ऐसे का ऐसा ही हो गया प्लस हाफ। अब यहाँ पे चक्कर पड़ेगा डिस्क का, डिस्क जो है कैपिटल एम मास की है 8, रोटेट कर रही है ओ के अबाउट द सेंटर, तो जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा डिस्क का वो हो जाएगा कैपिटल एम आर स्क्वायर बाई 2, एम ऑफ द डिस्क इज 8, आर हमको नहीं पता, एम आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। माई डियर प्योर रोटेशन में वी इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है प्योर रोलिंग में, तो ओमेगा को हम लोग वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के माई डियर ये 2 से 32 कैंसिल हो जाएगा 16, और यहाँ पे ये हो जाएगा 40 माइनस का 16 इज इक्वल टू 4 वी स्क्वायर बाई 2 प्लस 8 बाई 4 वी स्क्वायर, ठीक है, 4 टू द 8, 2 टू द 4, तो ये निकल करके आ गया 4 वी स्क्वायर के बराबर। अब 40 माइनस 16 विल बी नथिंग बट 24 इज इक्वल टू 4 वी स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज डेट वी इज इक्वल टू रूट 6 मीटर पर सेकेंड, विच इज़ द आंसर नंबर सी। तो यहाँ पे हमने क्या कंसेप्ट लगाया, एनर्जी कंजर्वेशन का, यहाँ से हमने आंसर निकाल लिया, ठीक है, क्लियर। तो ये थी सारी कहानी, ऑल राइट, ओके। तो इस तरीके से हमने किया क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 टस का सवाल है, और आप
में से हर एक बच्चा ये जानता है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग गेट एग्जाम में ट्रस का एक क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये जो ट्रस है इसके अंदर हमको फोर्स इन मेंबर एडी हमको निकालना है, फोर्स इन मेंबर एडी यहाँ से हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे वो यहाँ पे देखने वाली बात है, ठीक है ना। ओके, सो यहाँ पे हम सबसे पहले निकालते हैं क्या रिएक्शंस, जो रिएक्शंस है वो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखो ये एक फिक्स्ड सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट है सिंपल सपोर्ट, यहाँ पे एक वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शन आएगी, डेट इज आर ए वी, ठीक है, और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिएक्शन आएगी, लेट अस कंसीडर आर ए एच। बी पे क्या लगा हुआ है, रोलर सपोर्ट, रोलर सपोर्ट पे एक वर्टिकल रिएक्शन आएगी, डेट इज आर बी वी। अब रोलर सपोर्ट में कोई भी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं आती है, कोई भी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं आती है माई डियर। अगर यहाँ पे भी आप एज सिंपल सपोर्ट लगा देते तो माई डियर यहाँ पे भी एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आती, डेट इज़ आर बी एच। और जब आप यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोशिश करते नेट फोर्स अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जीरो करते तो यहाँ पे आर ए एच प्लस आर बी एच की वैल्यू 12 आ जाती, ठीक है, आर ए एच प्लस आर बी एच की वैल्यू आ जाती 12 अगर यहाँ पे हम लगाते क्या सिंपल सपोर्ट दोनों तरफ। नेट रिएक्शन वर्टिकल डायरेक्शन में करते तो ये हो जाता आर ए वी प्लस आर बी वी इज इक्वल टू 18, ठीक है। और नेट मोमेंट अगर आप लगाते लेट अस से पॉइंट नंबर ए की तरफ निकाल लगा देते तो आर बी वी और आर बी एच के टर्म्स में एक इक्वेशन, देखो ए के अबाउट अगर मोमेंट निकालते तो केवल और केवल यहाँ से आर बी वी कैलकुलेट हो पाता, ठीक, इस तरीके से हो पाता। मतलब कहने का ये है सिस्टम हमारा इनडिटर्मिनेट हो जाता, माई डियर इनडिटर्मिनेट सिस्टम हो जाता, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स के अंदर नंबर ऑफ इक्वेशंस होती हैं कम और नंबर ऑफ अननोन्स होते हैं ज़्यादा, ठीक है। इसीलिए आपका क्वेश्चन सिंपल करने के लिए एक तरफ यहाँ पे लगाया जाता है सिंपल सपोर्ट और एक तरफ लगाया जाता है रोलर सपोर्ट, ठीक है, जिसकी वजह से एक रिएक्शन जो होती है बी रोलर सपोर्ट पे वो हो जाती है गायब। तो सिंपली आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो आर एच का मैग्नीट्यूड 12 किलो न्यूटन होगा, जिसकी वजह से नेट फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या हो जाएंगे, जीरो, ठीक है जी। तो ये है कहानी, वैसे भी हमको आर एच यहाँ से हमको पता चल चुका है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, आर ए वी और आर बी वी की वैल्यू बात करते हैं। तो यहाँ से हम बात करते हैं आर ए वी प्लस आर बी वी, दिस विल बी इक्वल टू द नेट फोर्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन विच इज़ नथिंग बट द 18 किलो न्यूटन, ठीक, क्लियर है। ओके, अब यहाँ पे चक्कर क्या है कि हमको आर ए वी और आर बी वी निकालना है, लेकिन डायरेक्टली नहीं निकाल सकते क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल फोर्स दे रखा है 12, इसकी वजह से नेट मोमेंट इसके अंदर आएगा किसी भी पॉइंट के अबाउट। तो हम क्या करते हैं नेट मोमेंट अबाउट पॉइंट ए ले लेते हैं इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, इस 18 किलो न्यूटन का जो मोमेंट होगा अबाउट दिस पॉइंट ए कितना हो जाएगा, 18 × 2 इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस 12 किलो न्यूटन का जो फोर्स है उसका मोमेंट जो हो जाएगा अबाउट दिस पॉइंट ए, ये हो जाएगा 12 × 1.5 इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सेम सेंस में इसके ऐड कर दिए, और ये हो जाएगा किसके बराबर, आर बी वी इंटू दिस डिस्टेंस, ये 4। जब आप इसको सॉल्व कर लेके जाएंगे तो यहाँ से आर बी वी आपको पता चल जाएगा डेट इज़ 13.5, और आर ए वी यहाँ से आपको पता चल जाएगा डेट इज़ 4.5, ठीक है। दो इक्वेशंस हैं, एक इक्वेशन ये, यहाँ से आर बी वी निकाल लेना, आर बी वी की वैल्यू इसमें डाल देना, आर ए वी पता चल जाएगा। तो ये कहानी है, ठीक, ये पता चल गया। हमको क्या पता करना है, फोर्स पता करना है एडी मेंबर में, हमको क्या पता करना है, फोर्स पता करना है एडी मेंबर में। तो कैसे पता करेंगे वो यहाँ पे देखने वाली बात है ना। तो हम कंसीडर कर लेते हैं जॉइंट नंबर ए को, जब हम इस जॉइंट नंबर ए को कंसीडर करेंगे डियर, ये मैंने जॉइंट नंबर ए को कंसीडर किया,
ठीक है, तो यहाँ पे एक आर एच लग रहा है, और ये जो आर एच लग रहा है इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा कितना, 12 किलो न्यूटन, ठीक। और एक आर ए वी लग रहा है वर्टिकल पर डायरेक्शन में, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 4.5 किलो न्यूटन, ठीक है। यहाँ पे ए डी की बात हो रही है, ए डी में फोर्स उसने हमसे पूछा है, तो कुल मिलाकर के देखो ये होगा लाइन ऑफ एक्शन कुछ इस तरीके से। अगर मेरे को नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में आर ए वी को बैलेंस करना है, तो ए डी मेंबर में फोर्स कुछ इस तरीके से जनरेट होगा कि जो इस पॉइंट, इस पिन पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा वर्टिकल टूवर्ड्स द पिन, ये फोर्स लगेगा आर एफ ए डी, इस तरीके से लगेगा कि जो ए डी मेंबर की वजह से जो फोर्स लगेगा पिन पे वो लगेगा टूवर्ड्स द पिन, जिसकी वजह से इसका वर्टिकल कंपोनेंट, एफ ए डी का वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल कर देगा 4.5 किलो न्यूटन के फोर्स को। और ये एंगल अगर आपके पास मान लो कितना थीटा है क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा एफ ए डी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा फिर एफ ए डी साइन थीटा, ठीक है। अब नेट फोर्स जो है वर्टिकल डायरेक्शन में वो तो बैलेंस हो गया, अब यहाँ पे नेट फोर्स जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, डेट इज 12 प्लस एफ ए डी कॉस थीटा टूवर्ड्स द लेफ्ट। तो एसी मेंबर में फोर्स कुछ इस तरीके से लगेगा कि पिन पे जो फोर्स लगेगा एसी मेंबर पे की वजह से वो लगेगा टूवर्ड्स राइट, इस तरीके से, ठीक है। तो उससे कोई मतलब नहीं है हमको, सिर्फ और सिर्फ हमको एफ ए डी से लेना देना है जो कुछ है। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, एफ ए डी साइन थीटा विल बी इक्वल टू 4.5 किलो न्यूटन। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में देखो, ये है 2, ये है 1.5 और ये एंगल थीटा, ठीक है। ये है 2, ये है 1.5 और ये है थीटा, तो यहाँ से आप आसानी से 10 थीटा निकाल सकते हो, और जो 10 थीटा आप निकाल लो तो उसके बाद जब आप थीटा की वैल्यू आएगी यहाँ से 36.86, जब इसका आप साइन निकालोगे तो ये आएगा करीब करीब 0.6, कितना आएगा 0.6। तो यहाँ से आप बड़े आसानी से एफ ए डी निकाल सकते हो, और ये आएगा कितना, 7.5 किलो न्यूटन, 7.5 किलो न्यूटन, ये आ गया एफ ए डी। लेकिन यहाँ पे दो ऑप्शन है, 7.5 किलो न्यूटन टेंसाइल, 7.5 किलो न्यूटन कंप्रेशन। माय डियर, जब मैकेनिक्स की क्लास हमने ली थी ऑनलाइन यूट्यूब पे, तब आपको बताया था कि अगर कोई मेंबर किसी पिन को पुश करता है, अगर कोई मेंबर किसी पिन को पुश करता है तो वो मेंबर खुद कंप्रेशन में होगा, और अगर कोई मेंबर किसी पिन को पुल करेगा तो वो मेंबर खुद किस में होगा, टेंशन में होगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये आप देखो एफ ए डी जो लग रहा है इस पिन पे लग रहा है पुशिंग फोर्स, पुशिंग फोर्स, जिसकी वजह से ए डी मेंबर खुद किस में होगा, कंप्रेशन में होगा, उतने ही मैग्नीट्यूड से जितने की से वो पुश कर रहा है। तो 7.5 किलो न्यूटन कंप्रेशन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये है क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन, ठीक है, समझ में आया, चलते हैं आगे। अब आया अच्छा सवाल, वेज का प्रॉब्लम है डियर, वेज का प्रॉब्लम है, ठीक है। अभी लास्ट ईयर रिसेंटली ऐड हुआ है गेट में, वेज का प्रॉब्लम है, करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द 500 न्यूटन बॉडी एंड द 15 डिग्री वेज इज 0.2। द अरेंजमेंट इज शोन इन द फिगर बिलो। इफ द रोलर्स ऑफ द नेग्लिजिबल फ्रिक्शन आर प्रेजेंट अंडर द वेज, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स पी रिक्वायर्ड टू बिगिन द रेजिंग द 500 न्यूटन बॉडी। अच्छा देखो, यहां पे फ्रिक्शन नहीं है, यहां फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन है यहां पर, फ्रिक्शन है यहां पर, ठीक है। क्वेश्चन में बात हो रही है कि पी का कितना मैग्नीट्यूड हो कि जो 500 न्यूटन वाला जो बॉडी है ये रेज करना शुरू कर दे, ये क्वेश्चन है।
टू बिगिन द रेजिंग, मतलब एट द वर्ज ऑफ मोशन, एट द वर्ज ऑफ मोशन यानी कि फ्रिक्शन मैक्सिमम, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम। इसके बाद जैसे ही आप पी की वैल्यू और थोड़ी इंक्रीज कर दोगे तो माई डियर काइनेटिक फ्रिक्शन बॉडी में आ जाएगा, एट द वर्ज ऑफ मोशन की यहाँ पे बात हो रही है। बिगिन टू बिगिन द रेजिंग मीन्स एट द वर्ज ऑफ मोशन, मतलब अभी इक्विलिब्रियम में है, जस्ट चलने ही वाला है, एट द वर्ज ऑफ मोशन का मतलब होता है ये, ठीक है। तो पी का वो मैग्नीट्यूड हमको बताना है जिससे कि ये चलने लगे ऊपर की तरफ 500 न्यूटन। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो वेज का प्रॉब्लम है, अच्छा प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व करते हैं वो यहाँ पे आप देखिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ वेज, ठीक है। इसको अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि अच्छा क्वेश्चन आता रहता है इससे। वेज का प्रॉब्लम करने में आपको दिक्कत आएगी क्योंकि यहाँ पे हम ना, देखो कर तो लोगे इसको, नो डाउट कर लोगे, लेकिन देर लगेगी अगर आप इसको उस मेथड से करोगे, इक्विलिब्रियम वाले तरीके से नेट फोर्स जीरो करके। यहाँ पे वेज प्रॉब्लम करने के लिए एक्चुअल में हम करते क्या हैं, एक सिंपल सा मेथड अप्लाई करते हैं और वो है क्या, फ्रिक्शन का कंसेप्ट। यहाँ पे चक्कर, यहाँ पे जो हम कंसेप्ट लगाएंगे वो लगाएंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन का, उससे सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखना क्या कर रहा हूँ मैं, बस आप देखते जाओ, पहले फिगर मेरे को अच्छे से बना लेने दो क्योंकि फिगर यहाँ पे अच्छा बनेगा तभी आपको यहाँ पे समझ में आएगी चीज़ें। मैं अलग अलग कर लिया इसको, ठीक है, मैंने इसको अलग अलग कर लिया और कुछ नहीं किया, ठीक। देखो इस तरीके का वेज है, ये है वेज और यहाँ पे हमको एक फोर्स अप्लाई करना है, डेट इज 500 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे हमने इस पर अप्लाई किया, सॉरी यहाँ पे हमने एक अननोन फोर्स पी अप्लाई किया है, ठीक है। इस अननोन फोर्स की वैल्यू हमको पता नहीं है, लेकिन ये जो वेज है माय डियर ये है 500 न्यूटन का। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले एक एक्सेस ड्रॉ कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, लाइक दिस, और एक एक्सेस मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, अभी मस्त समझ में आएगा देखना बिल्कुल। ठीक है, लाइक दिस। कहने का मतलब यह है डियर कि ये जो ब्लू वाली लाइन मैंने यहां पे आपको बना के दिखाई है, पहले मैं इस लाइन को छोटा कर लेता हूं, ठीक। लेटस से ये है बॉडी हमारी ए और ये हमारी लेटस से बॉडी हमारी बी, ठीक। देखो यहाँ पे क्या होगा, रोलर की यहाँ पे हमको रिएक्शन आएगी, नो डाउट रिएक्शन आएगी रोलर की, ठीक है। तो लेटस से कि ये है हमारे पास वॉल नंबर वन और ये है वॉल नंबर टू, ठीक। तो इस वेज के ऊपर, इस वेज के ऊपर ये जो वॉल नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करेगी वो कितनी होगी, नॉर्मल रिएक्शन ऑन द वेज बी अप्लाइड बाई द वॉल वन, डेट इज़ एन बी वन। और इसी तरीके से ये वॉल नंबर टू भी इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करेगी, डेट इज़ नॉर्मल रिएक्शन अप्लाइड बाई द वॉल टू ऑन द
वेज बी लाइक दिस, ठीक है। इस वेज का वेट है माय डियर 500 न्यूटन, और ये जो 500 न्यूटन का वेट है माय डियर, ये लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से W, मैंने W से दिखा दिया। अभी हम कैलकुलेशन में नहीं जाएंगे, वेरिएबल्स के टर्म में सॉल्व कर देंगे, फाइनल एक्सप्रेशन जो आएगा वहाँ पे हम लोग वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है जी। ओके, अब यहाँ पे देखो, क्योंकि ये वेज माय डियर इस इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है, तो इस इंक्लाइंड प्लेन की वजह से इस वेज के ऊपर क्या लगेगी, एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, बिल्कुल लगेगी, तो लगा देते हैं अभी। तो देखो, ये मैंने लगा दी क्या नॉर्मल रिएक्शन, थोड़ा पतला पॉइंट कर लेते हैं। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन लगी है किसकी वजह से लगी है, किस पे लगी है, वेज पे लगी है, किसने लगाई है, ए ने लगाई है, ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ये नॉर्मल रिएक्शन जो होती है वो कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगती, लगा दी, ठीक। अब सोचो कि हमको ये पी फोर्स लगाना है इस तरीके से कि ये जो वेज है माई डियर ये ऊपर की तरफ जाएगा। जब आप यहाँ पे आप इमेजिन करो कि जब ये ब्लॉक, ये जो वेज है ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये ब्लॉक जो है आगे की तरफ खिसकेगा, मतलब ये जो वेज है ये इसके ऊपर स्लाइड करेगा ऊपर की तरफ, ठीक है, स्लाइड करने की टेंडेंसी होगी ऊपर की तरफ इस तरीके से, तभी तो ये वेज ऊपर जाएगा। और जब ऐसा होगा तो आप इस बात को यहाँ पर समझो कि जो फ्रिक्शन लगेगा इस वेज पे वो लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, इन द टेंडेंसी ऑफ द स्लाइडिंग डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में स्लाइडिंग की टेंडेंसी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स होगा डियर वो लगेगा यहाँ, ये लगा, और ये जो फ्रिक्शन लगा ये लगा इस तरीके से, डेट इज एफ। किसने लगाया ब्लॉक, किस पे लगा, वेज पे लगा, किसने लगाया, ए ने लगाया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है रोलर्स क्या है, स्मूथ हैं, कोई फ्रिक्शन यहाँ पे नहीं दे रहे, तो यहाँ पे कहीं भी फ्रिक्शन नहीं दिखाया है, फ्रिक्शन वहीं दिखाया है जहाँ का कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है, इट इज़ बिटवीन द वेज एंड दिस इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन का ये जो एंगल है डेट इज, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ वेज, डेट इज थीटा, ये दे रखा है 15 डिग्री क्वेश्चन में, तो ये एंगल लेटस में मैं कर देता हूँ थीटा, ठीक है। अब एक बात यहाँ पे समझो, और वो ये कि अगर आप यहाँ पे बात करते हो किसके बारे में, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है और ये जो नॉर्मल रिएक्शन है इसके रिजल्टेंट के बारे में, तो इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ये आएगा एक कॉन्टैक्ट फोर्स कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये आएगा एक कॉन्टैक्ट फोर्स कुछ इस तरीके से, विच इज द रिजल्टेंट ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन एंड द फ्रिक्शन। और इस कॉन्टैक्ट फोर्स का एंगल विद द नॉर्मल रिएक्शन जो होता है डियर, इसी को बोलते हैं क्या, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। अगर आप यार खुद ही देख लो, अगर यहाँ पे आकर आप ट्राइंगल लॉ में देखो, अगर मैं आपसे कहूँ कि टेन फाइव बताओ, तो आप क्या कहोगे, टेन फाई इज इक्वल टू नथिंग बट एफ बी ए डिवाइडेड बाई एन बी ए, एट द वर्ज ऑफ मोशन फ्रिक्शन इज मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, तो ये हो जाएगा म्यू इंटू एन बी ए डिवाइडेड बाई एन बी ए, एन बी ए से एन बी ए कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से फाई जो निकल करके आ जाएगा ये आ जाएगा टेन इनवर्स म्यू। क्वेश्चन के अंदर म्यू गिवन है, कितना गिवन है, 0.2, तो यहाँ से फाई जो निकल करके आ जाएगा टेन इनवर्स 0.2 निकल करके आ जाएगा, और इसकी वैल्यू जो होगी ये होगी कितनी, 11.309 डिग्रीज, ठीक है, ये समझ में आई बात। अब इस बात को आप यहाँ पे समझिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर ली, ओके, ऑल राइट। तो यहाँ पे अब सारा का सारा काम अब हमको क्या करना है, इस R और W को लेकर के करना है, ठीक है, R और W को लेकर के करना है, इस बात को यहाँ पे समझो, और मेरी बात को अगर आप यहाँ पे समझ गए तो इस बात को समझ जाओ
कि आर के अंदर एन बी ए और एफ बी ए दोनों का इफेक्ट है, आर के अंदर एन बी ए और एफ बी ए दोनों का इफेक्ट है। तो फाइनली जो हमको काम करना है वो करना है आर और डब्लू से, ठीक है, आर और डब्लू से। ऑल राइट, एन बी वन और एन बी टू हमको नहीं पता और जरूरत भी नहीं है फाइंड करने की, क्योंकि हमको मतलब है क्या पी से, ठीक है। अब यहां पे आप समझो, मैं क्या करता हूं, एक वर्टिकल लाइन में यहां भी ड्रॉ कर लेता हूं इस तरीके से, जो कि ये दोनों लाइंस क्या है आपस में पैरेलल है। ये जो डॉटेड लाइंस मैंने आपको दिखाई है रेड कलर वाली, ये क्या है, पैरेलल है, ठीक है। ये एंगल अगर थीटा है डियर तो ये एंगल भी थीटा होगा, और ये एंगल अगर थीटा है डियर तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि अगर नॉर्मल रिएक्शन ए ने बी पे लगाया है तो बी भी ए पे उतना ही नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, तो ये लगा नॉर्मल रिएक्शन। मैग्नीट्यूड सेम होगा इसलिए मैंने सीधा सीधा एन बी ए ही लिख दिया है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी ड्यू टू द थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। एफ बी ए फ्रिक्शन है, किसने लगाया, ए ने, किस पे लगाया, बॉडी बी पे, तो बी भी ए पे फ्रिक्शन लगाएगी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ये आ गया भाई फ्रिक्शन, ठीक है। मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगी तो मैंने सीधा सीधा एफ बी ए लिख दिया। अब यहां पे ये मत कहने लगना कि डब्लू का भी नॉर्मल रिएक्शन बना दो, भैया डब्लू एक एक्शन है, किसका, अर्थ का, इस वेज पे जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स वो लग रहा है अर्थ की वजह से, तो भैया इसका जो रिएक्शन आएगा वो अर्थ के ऊपर आएगा, इस ब्लॉक के ऊपर मत बना देना, इस वेज के ऊपर। समझ में आ रही बात, क्लियर है। ऑल राइट, तो समझो कि मैंने एक यहाँ पे मैं एक क्या करता हूँ, हॉरिजॉन्टल एक्सेस भी बना देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। मैंने इस तरीके से हॉरिजॉन्टल एक्सेस बना दी, इस तरीके से मैंने हॉरिजॉन्टल एक्सेस यहाँ पे बना दी लाइक दिस, ठीक। अब इस बात को समझो कि फिर से वही कहानी दोहराता हूँ कि एन बी ए और एफ बी ए का एक रिजल्टेंट आएगा जिसको कि हम लोग बोलते हैं क्या, कॉन्टैक्ट फोर्स, क्या बोलते हैं उसको, कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स आएगा कुछ इस डायरेक्शन में आएगा और ये होगा आर, और नॉर्मल रिएक्शन और इसके बीच में जो एंगल बनेगा डेट इज दिस वन, ये बनेगा कॉफी एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और एंगल ऑफ फ्रिक्शन हम निकाल चुके हैं डेट इज 11.309, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, क्लियर, ओके। सो अब हमको यहां पे करना है सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दो अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं, देखना कैसे करेंगे, बहुत ही शानदार, मतलब इजी होता है, बस प्रैक्टिस का खेल है। इसको थोड़ा नीचे ले जाते हैं यार, देखो ये वाला भी इसको कॉपी कर ही लेते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले यहां पे आया, ये मैं बना रहा हूं किसका, ब्लॉक बी का, और यहाँ पे मैं बना रहा हूँ किसका, ब्लॉक ए का, ठीक है। यहाँ पे समझो सबसे पहले, और ये है क्या कि W जो है वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है बॉडी का वेट, तो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैंने यहाँ पे लगा दिया बॉडी का वेट डेट इज W, ठीक है। वर्टिकल एक्सिस है ये वाली, ठीक, वर्टिकल एक्सिस है ये वाली।
अब देखो अगर ये एंगल थीटा है डियर, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा, ठीक। तो वर्टिकल से जो नॉर्मल जो कॉन्टेक्ट फोर्स है उसका जो एंगल है ना, ये जो एंगल है ये कितना है, थीटा प्लस फाई, ठीक है, थीटा प्लस फाई, क्लियर। यहां पे एफ पी ए और एन बी ए मत बनाना, वो सारे के सारे इस आर के अंदर आ गए। अब देखो एक लग रहा है एन बी टू और एक लग रहा है एन बी वन, तो एक लगा दो यहां पे एन बी टू और एक लगा दो यहां पे एन बी वन, इस तरीके से यहां पे ये सारे के सारे हो गए कंप्लीट। यहां पे एन बी वन और एन बी टू से ज्यादा घबराना मत, क्वेश्चन में अगर पूछता तो हम निकाल देते, ठीक है, इसको इससे घबराने की बात नहीं है। अब यहां पे देखो, यहां पे सिंपली क्या करो, जो कॉन्टेक्ट फोर्स का वर्टिकल वाला कंपोनेंट है उसको बैलेंस कर दो किससे, डब्लू से। तो ये हो जाएगा कितना, आर कॉस थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू डब्लू हो जाएगा। तो यहाँ से कॉन्टेक्ट फोर्स की वैल्यू आ जाएगी डब्लू डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस फाई, ठीक है। तो ये तो हो गया वेज, ये तो हो गया सॉरी ब्लॉक, ये जो ब्लॉक है ऊपर वाला, ठीक है, बी वाला। अब हम बात करते हैं वेज की, ठीक। तो वेज पे माय डियर एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, डेट इज पी, ठीक, और एक लग रहा है कॉन्टेक्ट फोर्स डेट इज आर, और वर्टिकल डायरेक्शन से ये जो एंगल इसने बनाया, ये बनाया थीटा प्लस फाई, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आर का जो ये वाला कंपोनेंट होगा, आर का ये वाला कंपोनेंट जो, अब देखो ये जो ब्लॉक है इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा कौन, फ्लोर, नॉर्मल रिएक्शन अप्लाइड ऑन ब्लॉक है बाय द फ्लोर, तो एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर भी आ जाएगी, ठीक। तो यहां से आर का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है डियर, वो पी को बैलेंस कर देगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं डेट इज आर साइन थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू पी। अब आर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, डब्लू डिवाइड बाई कॉस थीटा प्लस फाई, तो ये हो जाएगा डब्लू टेन थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू पी। तो यहां से पी की वैल्यू जो आ जाएगी, डब्लू हमको कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 500 न्यूटन, ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 10, थीटा क्वेश्चन में कितना गिवन है 15, प्लस फाई कितना गिवन है 11.309। ये सारी वैल्यूज यहाँ पे आप रख लेंगे, 15 प्लस 11.309, इसका ले लेना 10, इसमें कर देना 500 का मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा यहाँ से 247.22 न्यूटन, ठीक है। तो आंसर जो इसका निकल करके आया, ये निकल करके आ गया सी फॉर चेन्नई। देखो इसका फायदा हमको यहाँ पे इसलिए मिलता है क्योंकि ये जो हमने एक एन बी ए और एफ बी ए को एक सिंगल फोर्स में कन्वर्ट कर लिया, अगर आप अलग अलग करते तो माय डियर देखो कितनी दिक्कत होती, एफ बी ए को भी यहाँ बनाना पड़ता, एन बी ए को भी यहाँ बनाना पड़ता, फिर उसके अलग अलग कंपोनेंट करते, है ना, दिक्कत ही दिक्कत होती। पहले एन बी ए निकालते, फिर एफ बी ए तो म्यू टाइम्स ऑफ एन बी ए हो ही जाता, फिर एन बी ए को इसके टर्म्स में लिखते, एन बी ए का कंपोनेंट यहाँ लगाते, फिर उसको करते, कितना दिक्कत होती। तो यहाँ से हमने क्या किया, सीधा सीधा फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का एक फाइनल कॉन्टैक्ट फोर्स के टर्म में लिख लिया और उसी के टर्म से हमने सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, डेट इज 247.22 न्यूटन इसका आंसर आएगा, ठीक है जी, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं डियर क्वेश्चन नंबर 9 की, बहुत ही शानदार प्रॉब्लम है और इस क्वेश्चन का जो सोर्स है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो है जेई एडवांस 2020, ठीक है, जेई एडवांस का क्वेश्चन है 2020, मतलब एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन था, उसका मैंने एक पार्ट उठा लिया और क्वेश्चन यहाँ पे बना दिया। तो इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, एक रॉड है जिसका कि मास है स्मॉल एम और लेंथ है उसका एल,
पाइवट कर दिया है उसको एक एंड पे, हैंगिंग कर रही है वर्टिकली। एक बुलेट है जिसका कि मास है इक्वल टू द मास ऑफ रॉड वी वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे, जो पॉइंट ऑफ रोटेशन है वहाँ से एक्स डिस्टेंस की दूरी पे आकर के इस रॉड से टकराती है और इस रॉड के अंदर ही रह जाती है। तो कह रहे हैं इस एक्स की वो वैल्यू बतानी है जब इस सिस्टम की एंगुलर वेलोसिटी क्या हो, मैक्सिमम हो। मतलब इस एक्स की वैल्यू बतानी है इन टर्म्स ऑफ एल सो डैट द सिस्टम रोटेट्स विद मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी। तो कैसे हम लोग डील करेंगे इस प्रॉब्लम से, वो यहाँ पे समझते हैं। माय डियर, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ टेक्निक इसको सॉल्व करने की। यहाँ पे आप जो सिस्टम कंसीडर करेंगे वो क्या करेंगे, रॉड और बुलेट को एक साथ कंसीडर कीजिए एज अ सिस्टम। जब आप ऐसा करेंगे माय डियर, तो थ्रू आउट दिस इंसिडेंट जो ये हो रहा है सारा का सारा घटनाक्रम, बुलेट का आना, इससे टकराना और रॉड का रोटेट होना, इस पूरे कंसीडरेशन में जब आप सिस्टम लेंगे रॉड और बुलेट को, तो वहाँ पे देखना कि जो नेट टॉर्क है डियर, जो नेट टॉर्क है वो हो जाएगा ज़ीरो। सिंपल कोलिजन वाला फंडा है, जैसे आप वहाँ पे करते थे ना, मैं बताता हूँ आपको, वन सेकेंड। जैसे आप वहाँ पे करते थे कि दो मास होते थे अलग अलग, M1, M2, ठीक है, इनिशियली U1, U2 से जा रहे होते थे, और जब वो टकराते थे तो U1 की वेलोसिटी U2 से ज़्यादा होनी चाहिए थी, तब वो टकराते, टकराने के बाद वो अलग अलग वेलोसिटी लेट से V1 और V2 से जाने लगते। तो ऐसे सिस्टम का जब आप मोमेंटम कंजर्वेशन तब अप्लाई करते थे जब आप सिस्टम पूरा M1 और M2 को एक साथ लेके चलते थे। ऐसा इसलिए करते थे डियर क्योंकि एट द इंस्टेंट ऑफ कोलिजन M1 वाला जो मास था जब ये टकरा था तो इस M2 वाले पे फोर्स लगाता था और M2 वाला अपोजिट डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगाता था। फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मोशन है तो M2 की वेलोसिटी माय डियर बढ़ जाती थी और M1 की वेलोसिटी घट जाती थी, क्योंकि नेट फोर्स जो M1 पे लग रहा है वो लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में मोशन, मतलब रिटार्डेशन देखने को मिलता। यहाँ पे आप जब सिस्टम कंसीडर करते थे M1 और M2 को एक साथ, तो माय डियर इनके बीच में लगने वाले जो नेट फोर्स थे वो हो जाते थे जीरो। और आप कहते थे कि अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है तो उसका मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा, बिकॉज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर नेट फोर्स जीरो है माय डियर, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम मोमेंटम भी चेंज नहीं होगा उस सिस्टम का। तो यहाँ पे आप क्या करते थे, इनिशियल मोमेंटम लिखते थे M1 U1 प्लस M2 U2, ये पूरी बॉडी का लिखते थे डियर, पूरी सिस्टम का, M मतलब M1 और M2 को पूरा सिस्टम माना था आपने। ऐसा नहीं करते थे कि M1 का अलग लिख लिया, M1 U1 इक्वल टू M1 V1, नहीं, ठीक है, ये कहानी है। ऑल राइट, तो जब आप यहाँ पे एक सिस्टम कंसीडर करेंगे रॉड और बुलेट को एक साथ, तो माय डियर यहाँ पे हो जाएगा क्या, नेट टॉर्क ज़ीरो। और जैसे ही नेट टॉर्क ज़ीरो होगा तब आप यहाँ पे समझिए कि आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं। और जब आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराएंगे तो एंगुलर मोमेंटम इज़ इनिशियली एल आई और फाइनल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा एल एफ। इनिशियली रॉड रोटेट नहीं कर रही है, सिर्फ और सिर्फ बुलेट जा रही है वी वेलोसिटी से, एम मास की बुलेट जा रही है, तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ मोमेंटम लेंगे तो वो हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम। किसका हो जाएगा, बुलेट का, तो वो हो जाएगा कितना, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मोमेंट ऑफ मोमेंटम हो जाएगा एम वी एक्स, दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बुलेट। जब ये इसके अंदर टकरा गई और टकरा करके इसी के अंदर रह गई, टकरा गई और टकराने के बाद इसी के अंदर रह गई, और ये जो सिस्टम है किसी पर्टिकुलर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट होने लगा, ओमेगा से रोटेट होने लगा, तो इसके अंदर जो मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम आएगा वो क्या आएगा, वो यहाँ पे देख लेते हैं, वो आएगा आई ओमेगा, वेयर आई इज द मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कंबाइंड सिस्टम। ठीक है, क्लियर है, ऑल राइट। तो अब यहाँ पे देखिए क्या करते हैं,
ये हो जाएगा एम वी इंटू एक्स, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको लेना है। ये रॉड जो है हिंज है अबाउट इट्स एंड, तो रॉड का जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई थ्री, प्लस इसके अंदर एक बुलेट भी है जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक्स डिस्टेंस की दूरी पे है, तो उसकी वजह से जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा वो जाएगा एम एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा ओमेगा के बराबर। यहाँ से एम ख़त्म कर दो, जब ऐसा करोगे तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकल करके आएगी, ये निकल करके आएगी थ्री वी एक्स डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ओमेगा को लिख लेता हूँ 3v डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर बाई एक्स प्लस एक्स, ठीक है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं क्या कि हमको चाहिए ओमेगा मैक्सिमम, अगर ओमेगा चाहिए मैक्सिमम तो माय डियर इसका डेनोमिनेटर में एक्स क्या है, वेरिएबल, और ये हमको इस तरीके से लेना है कि जो डेनोमिनेटर है इसका ये हो जाए क्या मिनिमम। तो हमको सिंपली क्या करना है, मिनिमम ऑफ लेट अस से ये जो क्वांटिटी है ये है वाई, तो क्या क्या तरीका है, एक्स वेरिएबल है तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होना चाहिए, ज़ीरो, तो ये हो जाएगा माइनस एल स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, ये होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई क्या, मेरे को लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गई, वन सेकंड चेक कर लेते हैं, यस गड़बड़ हो गई है, और वो ये गड़बड़ है ये वाली, यहाँ पे थ्री नहीं लगाया, ठीक है, क्लियर। तो जब आप इसको लिख लेंगे इस तरीके से तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर बाई थ्री एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन, तो यहाँ से एक्स जो निकल करके आएगा ये निकल करके आएगा एल बाई रूट थ्री, तो एल बाई रूट थ्री इज नथिंग बट 0.577L। जब x की वैल्यू ये होगी तब हमारा जो y होगा ये होगा क्या मिनिमम, मतलब y मिनिमम यानी कि डेनोमिनेटर हो गया हमारे पास मिनिमम, तो एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी मैक्सिमम, ठीक है। सो x की वैल्यू हो गई 0.577L, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा A फॉर आगरा, क्लियर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। लेट अस सॉल्व नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉब्लम, डेट इज क्वेश्चन नंबर 10। अ यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ L एंड मास M ओवरहैंग्स अ हॉरिजॉन्टल टेबल विद इट्स 2/3 पार्ट ऑन द टेबल। द फ्रिक्शन कॉफिशेंट बिटवीन द टेबल एंड द चेन इज म्यू। द वर्क डन बाई द फ्रिक्शन फोर्स ड्यूरिंग द पीरियड द चेन स्लिप्स ऑफ द टेबल इज। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि लेट अस से कि ये है हमारे पास क्या एक टेबल, ये है हमारे पास क्या एक टेबल, और इस टेबल से एक चेन लटकी हुई है इस तरीके से कि अगर चेन का लेंथ L है तो इस हैंगिंग पोर्शन का जो लेंथ है ना डियर, ये जो हैंगिंग पोर्शन है इसका जो लेंथ है डेट इज 2/3 पार्ट ऑन द टेबल, मतलब 1/3 पार्ट जो है इसका वो लटका हुआ है और 2/3 पार्ट जो है इसका वो टेबल पे है, ठीक है, क्लियर। माई डियर इस चेन का मास थ्रू आउट इट्स लेंथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या किया कि एक्स डिस्टेंस पे ये एक मैंने एलिमेंट कंसीडर किया जिसका कि मास हमने ले लिया कि डीएम, ठीक, जिसका कि हमने मास क्या ले लिया डीएम,
और इसका जो थिकनेस है एलिमेंट का वो क्या है dx। अगर हम लोग मास पर यूनिट लेंथ की बात करें तो ये हो जाएगा m बाई एल। अब dx लेंथ का जो मास हो जाएगा ये हो जाएगा m बाई एल dx। तो ये हो गया हमारे पास कितना dm। ठीक है, तो इस एलिमेंट की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, इस एलिमेंट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो माय डियर इस एलिमेंट पे जो लगने वाला जो वेट होगा वो हो जाएगा जी इंटू डी एम, मतलब एम जी बाई एल इंटू डी एक्स। और इसके ऊपर जो नगले वाला नॉर्मल रिएक्शन होगा ये हो जाएगा एन ऊपर की तरफ। अगर ये चेन नीचे की तरफ जाएगी तो माय डियर इस पे फ्रिक्शन जो लगेगा वो लगेगा पीछे की तरफ लाइक दिस। एंड लेट अस से डी एफ इज द फ्रिक्शन फोर्स, डी एफ इज द फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे डी एफ की बात करते हैं तो ये हो जाएगा म्यू एम जी बाई एल इंटू डी एक्स। ठीक है, विच इज नथिंग बट द नॉर्मल रिएक्शन, तो इसी के बराबर हो गया, ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन। और फ्रिक्शन फोर्स जो हो गया एलिमेंट पे वो हो गया इतना। अब एक बात यहाँ पे समझो कि जो फ्रिक्शन फोर्स का वर्क है, देखो फोर वर्क क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, मतलब एफ एस कॉस थीटा, वेयर एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, कुल मिलाकर के बात ये है, आप इस तरीके से समझो जो वर्क डन होगा फ्रिक्शन का वो कैसे होगा। फोर्स जो लग रहा है वो लग रहा है म्यू एम जी बाई एल इंटू डी एक्स, ये हो गया फोर्स। लेट अस से ये एक्स डिस्टेंस इसको डिस्प्लेस करना है, मतलब ये चेन जब एक्स डिस्टेंस आगे जाएगी तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा एक्स इस तरीके से। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन जो है डिस्प्लेसमेंट का वो है इधर और फोर्स का डायरेक्शन है इधर, मतलब जो नेटवर्क होगा वो होगा नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि फोर्स ऑफ अप्लाइड जो डायरेक्ट जो एप्लीकेशन फोर्स है उसका जो डायरेक्शन है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, हेंस नेगेटिव विल बी द वर्क। तो यहाँ से आप समझो कि जो डी डब्ल्यू की वैल्यू होगी ये हो जाएगी कितनी, माइनस म्यू एम जी बाई एल इंटू एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पे जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये जो इंटीग्रेशन की लिमिट है ये कहाँ से हो जाएगी, 0 से लेके 2L/3 तक। और जब ऐसा होगा तो ये हो जाएगा माइनस म्यू एम जी बाई एल, एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x²/2, तो हो जाएगा हाफ एक्स स्क्वायर में जब 2L/3 रखेंगे तो हो जाएगा 4L²/9। तो ये एल से एल कैंसिल हो गए, 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आंसर माइनस 2μmg/9, माइनस 2μmg L, ये L भी आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया सी फॉर चेन्नई। तो इस तरीके से माय डियर ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमने डिस्कस कर लिया, क्वेश्चन नंबर 9 भी हमने डिस्कस कर लिया, क्वेश्चन नंबर 8 भी हमने डिस्कस कर लिया, क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया, 6 भी डन, 5 भी डन और 4 भी डन, 3 भी डन, 2 भी डन और 1 भी डन। ठीक है, तो ये हमने क्विज़ फर्स्ट का सॉल्यूशन आपको दिया। आई होप आपके यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स बने होंगे कुछ। ठीक है, तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट क्विज़ का शेड्यूल हम आपको बता देंगे। क्विज़ ज्वाइन करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए, वहाँ पर क्विज़ कंडक्ट की जाती है। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।